से, लेकिन यहां समझा रहे हैं फिर ये मानव शरीर को हर शास्त्र में इसको दुर्लभ क्यों बताया? जहां देखोगे कहते बड़ा भाग मान सतन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गबा, ठाकुर को स्वयं कहते ये देवताओं के लिए भी भारत में मानव जन्म क्यों? कारण एक ही है, केवल इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते, भगवान के नाम ले सकते हैं, इसी जीवन में प्रभु की भक्ति करके हम ठाकुर के पास में जा सकते हैं, और किसी जीवन में ये काम नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अगर ये मानव शरीर पा करके तुम भजन नहीं किया, संसार का सारे कर्तव्य तुमने चुकाया, सारे संसार का कर्तव्य तुमने कर लिया, लेकिन भजन नहीं किया तो जीरो है, लास्ट में देखोगे जीरो और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए देखना जीवन में जो कुछ कर लो कर लेना, लेकिन मरते समय जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते हैं? जो बोल जोर से बोला, क्या कोई कहता है तेरे बेटा सच्चा ना दुनियादारी सच्चा तेरा दुकान मकान सच्चा? क्या सब कोई बात झूठा है? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। देखो सब झूठा में तुमने जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ से यहाँ नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। परिवार जाएगा तो शमशान तक जाएगी, उसको आगे कोई जाने वाले नहीं, आगे क्या जाएगा? पायो जी मैंने। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को समझाते हैं, हे परीक्षित, ये मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति कर लिया, समझना तुमने ये जीवन को तुमने धन्य बना दिया, तुम्हारी ये जीवन तुम्हारी सार्थकता हो गई। अगर तुमने भक्ति नहीं किया तो सबके सब तुम्हारी जीरो है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, वो कहते हैं बोले राम नाम की अंक है सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण। देखो अच्छे तरह से समझो, जैसे एक रखो इसका सीधा हाथ में के सुना दो कितना होगा बताओ तो, कौन बोलेगा हाथ उठाओ? एक उसको सीधा हाथ में के सुना दिया कितना होगा? कितना होगा बोलो? पीछे कोई बोल नहीं रहे, पीछे वाले लोग तो लगता है पता नहीं और कोई दुनिया में रह रहे हैं। एक रख करके सीधा हाथ में एक सुना दो कितना होगा? दस होगा। पहले था एक, ये गोस्वामी जी ये चीज को समझा रहे हैं, एक सुना देने से जो एक था वो झट दस गुण हो गया, और ये सुना दो कितना होगा? सौ। पहले कितना था? दस। लेकिन जब एक सुना दे दिया जो दस है वो झट दस गुण हो गया, और ये सुना दो कितना होगा? हजार। पहले कितना था? सौ। देखो एक एक सुन्नत देने पर जो दस 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 गुण बढ़ रहा है, वो कह रहे एक को हटा दो अभी ये सुन्नत दो कितना होगा बोलो, और एक जीरो दो कितना होगा, और एक सुन्नत अगर एक को हटा दिया, एक हटा करके सुन्नत दो कितना होगा, और एक सुन्नत दो कितना होगा, और एक सुन्नत दो कितना होगा, जीरो। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू किसका है? और एक का वैल्यू है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की जो भक्ति है ना ये एक है, और ये जो संसार है ये जीरो है, ये संसार है जीरो है। लेकिन अगर ये संसार जीरो अगर एक से मिल जाए, मतलब भगवान की भक्ति से मिल जाए, फिर तो दस दस गुना बढ़ते जाओगे। अगर प्रभु की भक्ति तुमने छोड़ दिए, केवल पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चों को जन्म देकर मर जाओ, कहते तो भैया सब जीरो ही जीरो है। लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में अगर सब कुछ करे, फिर तो दस दस गुना बढ़ते रहोगे, ठीक है ना? इसलिए सब कुछ करो लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार जोर करते बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी
लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी एक भजन बता जी, एक भजन गाओगे आप? एक भजन गाओगी तुम? एक भजन गाओगी? ठीक है, तैयार होकर बैठना, बाद में गा लेना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। ये वृंदावन के वृक्ष को मरम को डाल डाल और पात पात को श्री राधे राधे हो। की राधे राधे नट कही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म के आओत पर श्री राधा नाम रूप जाए। कि मोर मुकुट की निरखी छवि लागत मन में करो, चंद्र बदने दुख सदन के भावुक नैना। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, पीछे पीछे ना हाथ उठा रहे ना जय करा बोल रहे, बात क्या है? पीछे सो गए क्या? पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है आप लोगों को? पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, मैं तो सुनकर सो गया आप लोग। मैं राजस्थान गया था तो एक माता जी उठ करके आई और बोले, राजस्थानी भाषा में बोले, बोले थाने के बोलो। मैंने कहा माता जी बोलो क्या बात है? बोले थाने के बोलो, अरे कथा तो इतना मधुर है, इतने ही मधुर, क्या बताऊं। मैंने कहा माता जी आपने क्या सुना कथा में? बोले कोनी पतो, कथा का कोई मालूम नहीं है, कोनी पतो, लेकिन थारी कथा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, क्या बताऊं। मैंने कहा माता जी आपने क्या सुना? तो बोले बेटा मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं तो मनी कोनी नींद आवे, आ थारी कथा में बैठते ही नींद आवे। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ ऐसे भी लोग हैं नींद में झूल रहे हैं, कथा कथा से कोई मतलब नहीं है। तो सोना नहीं, सब एक प्रेम से। एक सूरदास जी थे वृंदावन में, सूरदास जी आज क्या क्या श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने वो बता देते हैं। अंधे है सूरदास, मतलब दोनों आंख जन्म से ही नहीं है। तो सूरदास जी जो भी श्रृंगार किया है ठाकुर जी का, पुजारी जी ने वो उसका वर्णन हूबहू कर देते हैं। आज किस कलर का ड्रेस पहने हैं ठाकुर जी, ऐसे वर्णन कर देते हैं। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया परीक्षा लेने के लिए, ठाकुर जी को एक मोती की माला और क्या कहते हैं और एक तेजरी उसको पहना दिए और पहना कर खड़ा कर दिए। अब सूरदास जी से कहा आप वर्णन करो आप। सूरदास जी बोले आज तो कमाल हो गया पुजारी जी। बोले क्या? बोले आज तो कमाल हो गया, क्या वर्णन करो? बोले क्या? बोले आप मोतीमाल गुरु माही विराजत,
कीमती माल उर्माही विराजते सभी के उठत तरंगा आज हर देख नंगा नंगा सुधा जी मरमन करते हैं पुजारी जी आज तो कमाल हो गया और दिन की अपेक्षा आज इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु क्या बताएं एक गणितज्ञ समुद्र के किनारे बैठकर जैसे समुद्र के तरंगों को गिन नहीं सकते ऐसे ही मैं एक छवि का ध्यान करूं तो दूसरी छवि का ध्यान करूं तो तीसरी छवि का ध्यान करूं तो चौथी छवि के उठा तो तरंगा क्या होता है आज तो कमाल हो गया सुधा जी बोलेंगे उर्माही विराजत सभी के उठत तरंगा आज हर देखे नहीं तो ऐसे जो प्रभु का रूप है आप लोग वृंदावन पहुंच गए हैं देखिए आधा लोग गए आधा लोग नहीं गए अच्छा मां के बिहारी का दर्शन किस किसी ने किया सब लोग नहीं किया देखे चलो कोई बात नहीं जो लोग गए हैं वहां देखे होंगे कि दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लग जाता है लगता है कि नहीं क्यों क्यों लगता है पर्दा क्योंकि हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है इतने सुंदर है सुंदरम किन्ना सुंदरम इतने सुंदर है वर्णन नहीं कर सकते तो आप लोग वृंदावन कौन कौन जाएंगे देखिए आगे कन्हैया का जन्म है थोड़ी देर बाद वृंदावन तो जाना ही होगा कैसे जाएंगे मानसिक रूप से और आज रसगुल्ले की जन्म है रसगुल्ले की कथा है हमारे वृंदावन में कहते हैं कि रसगुल्ले जिधर से था उधर मीठा तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भरे वृंदावन जाएंगे और उसको वृंदावन मनाना है तभी तो कन्हैया आएंगे ओ मेरे उठे दिन हके Thank you.
छोड़ दिया मैंने वो कसमाने सब सही रास्ते छोड़ दिया मैंने वो कसमाने सब सही रास्ते छोड़ दिया मैंने वो कसमाने सब सही रास्ते Thank you.
हाथ करके क्या बोलता है? अरे भापता हूँ क्या देखा दुखी है, लेकिन मैं जोर से बोलेगी क्या बोलता है? कितने लोग हैं यहाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है मेरे को क्या बोलना है? लेकिन राधे के बिना सब आ जाए, ये पहले ही कहा बिना राधा के कन्हैया नहीं आएंगे, इसलिए सभी लोग राधे का नाम लेंगे, एक बार सभी लोग आगू बढ़ेंगे। पितामह ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, भगवान ब्रह्मा जी का आदेश दिए ये सृष्टि का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपना मन से उनने चतुसन को उन्होंने सृष्टि की। बोले संसार का क्रम को बढ़ाओ, बोले पिताजी ये झूठे संसार में हम प्रवेश करना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, फिर उनकी ललाट से श्री शंकर जी रुद्रदेव प्रकट हुए, शंकर जी को भी आदेश दिए, शंकर जी भी मना कर दिए, लेकिन शंकर जी ने देखा अगर मैं भी मना कर दूं ना, हो ना हो पिताजी नाराज नहीं हो जाए। फिर उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी बोले ऐसे सृष्टि की कोई जरूरत नहीं, ऐसे सृष्टि को बंद करो। फिर ब्रह्मा जी अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को प्रकट किए, फिर उन्होंने 10 संतान को सृष्टि की, फिर मनु और सतरूपा को सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। इसी मनु और सतरूपा जी से फिर ये संसार का क्रम धीरे 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 ये संसार का क्रम धीरे धीरे बढ़ता है। हरे कृष्णा, इधर देखो मेरे तरफ में, कोई एक माता जी अगर कोई बढ़िया साड़ी पहन कर आ जाए ना, सब माता जी उधर दिखने लग जाते हैं, जैसे जिंदगी में कोई साड़ी दिखेगी। कोई एक आ जाए सब कथा सुनना भूल जाते हैं। देखो तुम वहीं बैठी रहो, किसको अंदर में आने नहीं देना, तुम कोई सामान लाए ना वहीं पर रख लेना, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी श्री मनु और सत्वरूपा जी से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। क्या कहते हैं हमको? मानव। क्यों? हम श्री मनु महाराज से जन्म हुए, इसलिए हमको मानव कहते हैं। लेकिन हमारा जो साइंस है ना, जो डार्विन थियोरी है, वो कहता है पहले हमारे पूर्वज जो बंदर थे और बंदर से हम सबके शुभ हो गए। नहीं, हमारा शास्त्र नहीं कहता है हम बंदर से हुए हैं। आप भगवद गीता को पढ़ो, कृष्ण खुद कहते हैं
ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे हैं, कृष्ण खुद कहते हैं। आप बाइबल को पढ़ो, बाइबल एक क्रिश्चियन की ग्रंथ है। बाइबल में लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, मतलब भगवान ने अपना जैसे उन्होंने जीव को सृष्टि किया। आप मुसलमान का कुरान को पढ़ो, वहाँ पर भी लिखा हुआ अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। जितने धर्म ग्रंथ पढ़ लो हर जगह पर कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, हर शास्त्र कहता है। लेकिन ये डार्विन फिर क्यों बताया, जो बंदर से हुए, ये डार्विन मरने से पहले खुद बोल कर गया, बोले ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती किया था, तुम ये प्रूव करके दिखा दो बंदर से हुए क्यों, जीव सब के सब नास्तिक होकर के भगवान की भक्ति छोड़ दे। इसलिए वो मरने से पहले बोल कर गया, इसलिए डार्विन ने कहा कभी बंदर से इंसान नहीं हो सकता है। आप एक बंदर को ला करके तुम्हारी सूरत को साथ में मिलाओ और भगवान को साथ में मिलाओ, बंदर को साथ में मिलेगी तुम, बंदर का आंखों के साथ में मिलेगा, न हाथों से मिलेगा, न पैर से मिलेगा, किससे मिलेगा। लेकिन हमारी सूरत किसको साथ में मिलता है, पीछे देखो कृष्ण बैठे ना, कृष्ण का साथ में मिल रही नहीं। इसलिए खैर जो जितने साइंस पढ़ते हैं ना, इस साइंस लोग ज़्यादा भौतिकवादी होते हैं, इसलिए भगवान भगवान को मानना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ये सृष्टि तो अपने आप धीरे धीरे अपने आप होगी, ये दुनिया में बताओ अपने आप दुनिया में कोई काम होता है, दुनिया में अपने आप कोई काम होता है। जैसे हम लोग मोबाइल इंटरनेट हैं कंप्यूटर हम यूज करते हैं, एक सैटेलाइट ऊपर भेजा हुआ है, वो सब काम को कर रहे हैं, उसको फिर कोई कंट्रोल करता है, नहीं तो दुनिया किसी ने बनाया नहीं, अपने आप दुनिया बन गया। हाँ देखो एक दो स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हमारा मन जैसे भगवान में दृढ़ विश्वास हो, इसलिए मैं दो स्टोरी सुनाऊंगा, मैंने हर बार सुनाता हूँ, पता नहीं याद है कि नहीं। एक समय अकबर ने बीरबल को प्रश्न, दो प्रश्न करता है। उसका पहला प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, क्या प्रश्न था भगवान है तो कहाँ है, और दूसरी प्रश्न है अगर भगवान है तो क्या कर रहा है। बल देख बीरबल, ये दो दिन में इसकी आंसर चाहिए, नहीं तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। वो तो घर में आकर के बड़े दुखी होकर बैठ गया, खाना पीना बंद कर दिया। उसको एक छोटा बच्चा था, बोले क्या हो गया पिताजी, ऑफिस से आकर गुमसुम कैसे हो गए, खाना बंद कर दिया, बात नहीं कर रहे। बोले पिताजी क्या बात है, क्या हो गया। बोले तू छोटा बच्चा नहीं समझो। बोले पिताजी बताओ ना सही। बोले ये अकबर ने हमें ये दो प्रश्न की, बोले अगर दो दिन में तुम उत्तर नहीं दे पाओगे ना तुम्हारी नौकरी जाएगी, अगर नौकरी जाएगी तो बता तेरे को हम तुमको संसार कैसे पालूंगा। भगवान है कहाँ, मेरे को क्या भगवान कहाँ पर कर रहे हैं क्या भैया, हमें क्या पता ठाकुर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बोले पिताजी पिताजी इतनी सी बात पर आप इतने दुखी हो गए, कोई चिंता मत करो, दो दिन बाद में मेरे को साथ में ले चलना। अगर राजा प्रश्न करे ना, बोलना ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न है भैया, मेरे छोटा बच्चा ही दे सकता है। बोले तू दे दोगे। बोले हाँ। अभी दो दिन बाद में गए राजा, पूछा क्या मेरे जवाब लेकर के आए हो। बोले महाराज मेरे छोटा बच्चा ही इसका आंसर दे सकता है। बोले ये दे देगा। बोले हाँ। बोले उन्होंने बच्चे को पूछा पहला प्रश्न क्या था, भगवान है तो कहाँ है। इतने में बच्चा ने कहा महाराज 10 किलो दूध मंगवाओ, दूध मंगवाओ। बोले बताओ इसको अंदर में घी है कि नहीं। बोले है। बोले मेरे को दिखाओ घी कहाँ है। बोले ऐसे थोड़ी दिखेगा, पहले गर्म करो, फिर जमाओ, फिर उसको मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करो, फिर जाकर घी होगा। बोले महाराज जी ये दूध में घी है, लेकिन उसे आगे प्रोसेस बताया गया, पहले गर्म करो, फिर जमाओ, फिर मंथन करो, फिर मक्खन, फिर पिघला, फिर घी निकलेगा। साधारण दूध से घी है, लेकिन उसको निकालने के लिए प्रोसेस है। क्या तो उसी तरह अगर भगवान है दुनिया में, जिनको पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी कितने कठोर साधन कर रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जीव अगर एक बार मेरे को पा लेता है, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के मेरे पास में आ जाता है, परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होती है अगर मेरे को पा ले तो। अगर तुम कह रहे हो भगवान कहाँ, मेरे को दिखा दो, ये कोई लड्डू थोड़ी है, बनाया और खा लिया,
इसलिए महाराज उसके लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। ध्रुव जी जैसे साधन की, जैसे श्री वाल्मीकि ने साधन की, ऐसे साधन करना पड़ेगा तब तो भगवान मिलेंगे, ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। इसको सुन करके तो बड़े खुश होंगे, प्रसन्न हो गए। ठीक है, दूसरी प्रश्न क्या था? भगवान है तो क्या कर रहे हैं? तब बच्चा ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ प्रश्न कौन कर रहा है? बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा? बोले तू। बोले जो प्रश्न करता है वो छात्र होता है, और जो उत्तर देता है वो टीचर होता है, शिक्षक होता है। और टीचर कहाँ बैठता है? ऊपर में। और छात्र कहाँ बैठता है? नीचे। प्रश्न कर रहे आप, उत्तर दूंगा मैं, इसका मतलब मैं हो गया टीचर, मैं हो गया शिक्षक हो गया, इसलिए पहले मेरे को ऊपर बैठाओ। अगर कृष्ण गीता में कहते हैं अगर तुम ब्रह्म विद्या पाना चाहते हो गुरु जी को पास में जाओ, पहले तीन नियम को पालन करो। बोले पहला नियम क्या है? पहले जा करके प्रणाम करो पहले गुरु जी को, उसको बाद में गुरु जी की सेवा करो, है गुरु जी की सेवा करो, फिर प्रश्न करो, फिर गुरु जी कृपा करके तुमको आंसर देंगे। प्रश्न कर रहे हैं आप, उत्तर दूंगा मैं। अब मैं नीचे खड़ा, ऊपर बैठो, पहले ऊपर से नीचे उतर, मेरे को वहां पर बैठाओ, पहले मेरे को प्रणाम करो, सेवा करो, फिर जाकर पूछो। राजा तो फंस गया, राजा तो फंस गया, इतना छोटा बच्चा कैसे बात करता है। अभी राजा को उतरना पड़ा और बच्चे को ऊपर में बैठा दिया। तब राजा ने कहा बताओ भगवान क्या कर रहे हैं? बोले भगवान तो यही कर रहे हैं, भगवान एक सेकंड में मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं, राजा को वो रंग बना सकते हैं। एक मिनट पहले आप ऊपर थे, आपको नीचे उतार दिया, और ठाकुर जी मेरे को क्या किया? ऊपर बैठा दिया। ठाकुर जी अभी यही कर रहे हैं। राजा तो खुश हो गए, वाह बढ़िया तुमने आंसर दिया। इसलिए अगर आपको कोई बोले ना भगवान देखे हो, अब इसका ये कहानी याद रहेगी तुम्हारी। देखो आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुने होंगे, हम कहते ना न्यूटन सर, ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, पृथ्वी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ये न्यूटन था। लेकिन वो रिसर्च करते करते अगर न्यूटन को पूछो ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही है, इसलिए अगर न्यूटन लास्ट में कहता है जैसे एक अथाह समुद्र साइंस, जैसे समुद्र किनारा में अगर वहाँ जैसे कितने सारे पत्थर पड़ा रहता है, मैंने केवल दो चार पत्थर को मैंने उठाया, केवल दो चार पत्थर को मैंने एकत्रित किया, मतलब ये जो साइंस अथा है जिसका पार पना बड़ा कठिन है, मैंने जो रिसर्च की है थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, लेकिन तथा कथित जो साइंटिस्ट लोग है थोड़ी मोड़ी कोई बात को याद कर लिया, और भगवान भगवान बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, दुनिया तो अपने आप बन गया नहीं। इसलिए ये न्यूटन ने ये रिसर्च करते करते उसको लगता था नहीं ये दुनिया में कोई एक है, जैसे ये साईं वाटिका ये ऐसे चल रहा है, इसमें कितने लोग लगे हुए होंगे साफ करने के लिए, देखभाल करने के लिए, रखवाल, तभी तो इतना बड़ा सुंदर जगह बना हुआ है, हैं? जैसे ये भागवत कथा हो रही ऐसे हो रही थोड़ी। अब देखना सवेरे कोई आता है साफ करके जाता है, कोई आरती करता है, कोई रोसोई बनाता है, कोई सजाता है, देखना कितने लोग लगे हुए, तभी कथा हो रही है छोटी सी, और ये दुनिया चल रहा है, अपने आप दुनिया चल रही है नहीं चलता है। इसलिए ये न्यूटन ने ये चीज को महसूस करता था कोई एक व्यक्ति है इसका पीछे। देखना भले ही तुम्हें उठने के लिए 10 मिनट देर हो जाए, सूर्य उगने के लिए 10 मिनट देर होता है, बता कोई देर होती है? चंद्रमा उदय होने के लिए 5 मिनट देर होती है? नहीं। आप देखना एक सीजन के बाद दूसरे, दूसरे में तीसरे सीजन अपने आप आती है, हैं? और हर सीजन में एक फल नहीं, एक सब्जी नहीं, कभी फूल गोभी, कभी बंद गोभी, कभी भिंडी, कभी तोरई, अलग अलग सीजन पर आती है। क्यों? भगवान को पता है अगर हर समय फूल गोभी खाते रहोगे ना परेशान हो जाओगे, बोले रोज गोभी गोभी, इसलिए भगवान ने अलग समय पर अलग अलग सब्जी, अलग अलग सीजन में अलग अलग फूल, हर चीज ठाकुर जी दे करके रखे। क्या अपनी आप ही दुनिया बन रही है? इसलिए न्यूटन को लगता था नहीं इसको पीछे कोई एक है, नहीं तो ये दुनिया ऐसे नहीं चलता है। लेकिन उसका एक दोस्त था नास्तिक, महानास्तिक, बोले नहीं ये दुनिया तो अपने आप चलता है, उसको कोई चलाने वाले नहीं।
एक दिन न्यूटन वो भी साइंटिस्ट जितना दोस्त है ना वो सबके सब साइंटिस्ट, एक दिन उसने सारे दोस्तों को घर में निमंत्रण दिया और उसने टेबल के ऊपर में एक सोलर सिस्टम बनाया। सोलर सिस्टम मतलब है कैसे ये ग्रह कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये पृथ्वी कैसे घूम रही है, कैसे दुनिया कैसे चल रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ पर है। बड़ा सुंदर एक सोलर सिस्टम उसने एक टेबल के ऊपर बना करके रख दिया। अभी जितने उसके सारे दोस्त सबके सब आए आकर के चार तरफ में घिर गए और उन्हें देखा एकदम बढ़िया से हैं कौन कौन ग्रह कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करे, एकदम परफेक्ट एक उसने बनाया। सारे दोस्त आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इतने में उसका जो दोस्त था ना जो मानता नहीं भगवान, उसने न्यूटन को पूछा इसको बनाया किसने, बोले उसको किसने नहीं बनाया वो अपने आप बन गया। बोले पागल है ना कि अपने आप कोई चीज थोड़ी बनती है, इसको तो कोई बनाया होगा। तो न्यूटन ने कहा देखो मैं तुमको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, इतनी सी बात तेरे को मैं समझाना चाह रहा था, ये छोटी एक टेबल के ऊपर भी ये सोलर सिस्टम इसको किसने नहीं बनाए बगैर बना नहीं, और ये दुनिया जो चल रहा है अपने आप वायु टाइम पर बहती है, चंद्रमा समय पर उदय होता है, सूर्य उपयुक्त समय पर सूर्य उदय होता है, सारे सीजन अपने आप बदलती अपने आप हो रही है। इसको पीछे कोई होगा तभी तो दुनिया चल रहा है कि अपने आप चल रहा है, इसलिए ये दुनिया अपने आप नहीं चल रहा है। हम लोग कहते हैं ना ठाकुर के इच्छा के बगैर एक पता भी हाँ, ये किसने बताया, हमारे गुरुवर्गों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बता कर गए। इसलिए अभी धीरे 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 है ना अभी का जो लिखे पड़े जितने बच्चे हैं ना धीरे 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 नास्तिक होते जा रहे हैं, नास्तिक होते धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान भगवान को मानना नहीं चाहते, ठाकुर जी को मानना नहीं चाहते। हाँ देखो एक समय हमारे बड़े गुरु जी के पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरु जी बेटा मेरा बात ध्यान देकर सुनो, कहते बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, ये मेरा बेटा एकदम बात नहीं सुनता है। अब सारा दुनिया में देखो सारे बेटा ऐसे ही, बेटा तुम्हारी बात सुनता है भले अपना मर्जी से चले जाएगा घूमने के लिए लेकिन तुम्हारी इच्छा से कहीं कुछ करेगा। तब बोले गुरु जी बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसका गति ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर तू खुद रामायण पढ़ता बच्चे को तू रामायण पढ़ाता, रामायण में लिखा हुआ है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमहि माता। भगवान सवेरे उठकर क्या करते हैं, पहले पिता माता की चरण छूते हैं, गुरु जी की चरण छूते हैं। रामायण आप लोग देखे होंगे जब भगवान राम दशरथ महाराज विश्राम करते हैं, राम क्या करते हैं जाकर पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। अभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करते हैं, भाई चरण छूते हैं। मेरे गुरु जी कह रहे थे, कहते बेटा अगर तुम ये ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ोगे जितने नास्तिक बनोगे बेटा तुमको उतना ही थुत्कार देगा, उतना ही तुम्हें बेइज्जत करेगा, उतना ही तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जितने शास्त्र को तुम नेगलेक्ट करोगे उसका परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोग कर गया। श्रवण कुमार था पिता माता को कंधे पर लेकर के सारा दुनिया में घुमाया। रामायण पढ़ोगे तो उन्होंने पिताजी की आदेश को पालन करने के लिए भगवान 14 साल के लिए वनवास चले गए। अपना बेटे को बोलो जाएगा 14 दिन के लिए अपना मर्जी से घूमने के लिए जा सकता है लेकिन 14 घंटा के लिए तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। क्यों, कारण है हम ये सब ग्रंथ शास्त्र को नहीं पढ़ रहे। इसलिए इंडोनेशिया आप के नाम सुने होंगे, ये एक मुसलमान कंट्री इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में अभी ये लोग रामायण पढ़ते हैं, ये मुसलमान कंट्री। आप एक मुरारी बापू का नाम सुने हो, मुरारी बापू, इनको इंडोनेशिया मुसलमान कंट्री लोग इनको बुलाते हैं। बोले क्यों, बोले आ करके हम ये रामायण सुना। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है रामायण सुनाने पर हमारे बच्चों के अंदर में संस्कार बनेंगे, पिता माता की आदर करेंगे, हमारी बेटी बहू सती बन करके रहेगी। क्योंकि एक धोबी की गई थी अपना पियर, वो आते समय एक रात कहीं रुक गई तो क्या हुआ, वो धोबी ने घर में निवास नहीं दिया,
इसलिए भगवान राम को सीता को त्याग करना पड़ा। क्यों? ये स्त्रियां सती बन करके रहे, अपना मन मर्जी नहीं घूमे। अभी इतने डाइवोर्स नहीं हो रहे, पता है क्यों डाइवोर्स हो रही है? कारण क्या इतने डाइवोर्स होने का? अभी भारत में 50% डाइवोर्स हो रही है। ये बड़े बूढ़ों को पूछ लो, कोई डाइवोर्स नाम सुने गए? डाइवोर्स कभी नाम सुने? कभी सुने ही नहीं इतने, क्योंकि विदेशी का हवा आकर लग रहा है। लेकिन हम सोचते हैं शायद लड़कियों को जितना शिक्षित बना देगा ना, उतना ही दुनिया की उन्नत। नहीं, पहले नियम किया था, थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख जाए, थोड़ी सी लिखा पढ़ा लड़की सीख जाए, थोड़ी हिसाब करना और थोड़ी सी ये काम गीता भागवत होगी, घर में रहो और उसको शादी कर जाओ, अपना पति को घर में जाओ और प्रेम से घर में रहो, प्रेम से अपना घर में रहो। इसलिए कभी ये डाइवोर्स नहीं होगा करता था। अभी जैसे हम कपड़ा बदलाते हैं ना, अभी ऐसे स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री बदलाते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो गई, थोड़ी सी ठनमन, जा तू जा मैं जा रही, कोई सहन शक्ति नहीं। ये हमारी, जब तक हमारी पुरानी संस्कृति रहेगी ना, तब तक समझो संसार में हमें सुख मिलेगा। जब हम अपना संस्कृति को छोड़ करके अंग्रेजी विदेशी संस्कृति को, आप वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? वहाँ पर देखना, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में जाना, वहाँ पर लड़कियों को देखना, सर पर कपड़ा, सर में कपड़ा को ओढ़ करके रखती हैं, गला में कंठी, तिलक, हरिनाम करते हैं। एक रसिया नाम सुने होंगे, रसिया में लड़कियाँ सरकार को साथ में लड़ रहे हैं। जानते हो क्यों? हम ये साड़ी पहन करके ये कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे? वो लड़कियाँ सरकार से लड़ रही हैं, लड़कियाँ हम साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन हमारे देश का लड़कियाँ कहते हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे? देखो आश्चर्य की बात, ये अंग्रेजी लोग हमारी शिक्षा को ले रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? वो जैसे फट्टे फूटे कपड़ा, आधा कपड़ा पहनती हैं, हम भी ऐसे ही जितना सोचते हैं ना, जितने कम कपड़ा पहनने से उतना मर जाता। नहीं, हमारी जो संस्कृति है, ऋषि मुनियों का जो संस्कृति है, ऐसे संस्कृति दुनिया में नहीं। इसलिए हमारे जो स्वामी महाराज जो इसको ने स्थापित किया, इन्होंने जब अमेरिका गए थे, पहला बार जब अमेरिका गए थे, उनका पहला लेक्चर था, उनका पहला लेक्चर ये था, हमने सुना अमेरिका बड़े पैसा वाला देश है, लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सबसे ज़्यादा सुइसाइड करके कोई मरते हैं ये अमेरिका के बच्चे, गरीब नहीं पैसा वाले, गरीब नहीं सुइसाइड करता है, पैसा वाले। इसलिए ये स्वामी महाराज को एक टावर छत ऊपर में ले गए, बोले ये क्या है? बोले यहीं पर जो जिसको सुइसाइड करेगा ना, सरकार बोला यहीं पर आकर के सुइसाइड करो, घर में मत करो, यहीं पर करो, जब ज़्यादा डिप्रेशन होता है तभी तो सुइसाइड करता है ना। इसलिए भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। जितने नास्तिक बनेंगे ना, उतना ही सुइसाइड करके। क्यों? थोड़ी सी अगर होपलेस हो गए, बस भगवान को तो मानते नहीं, सुइसाइड करता। लेकिन जो ठाकुर जी को मानता है, नहीं ठाकुर जी है, ठाकुर जी हमारे लाज बचाएगा। जब द्रौपदी की लाज बचाए, जब सुधामा जी को कृपा की, तब हमारे ऊपर क्या कृपा नहीं करेंगे? इसलिए हमारे भारतीयों का भगवान के प्रति विश्वास है। इसलिए आप सब देश का न्यूज पढ़ो, देखो जो सबसे ज़्यादा कम जो सुइसाइड है ना, ये भारत में, और ज़्यादा देखोगे विदेश में। क्यों? भारतीय लोग आस्तिक है, वो भगवान को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जरूर हमें लाज बचाएगा है। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है? हाथ उठा कर एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। अरे बार जोर कर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बामन देव बनाए, चल बामन देव बनाओ, हरे कृष्णा। आज बहुत सारे भगवान जन्म लेने वाले, आज बामन देव भगवान आएंगे, कन्हैया भी आएंगे। हाँ देखो, कल है राधा रानी की जन्म कथा, कल सुनेंगे, और जो परसों है ना जगन्नाथ जी रथ यात्रा है। पिछली बार थे कि नहीं हम लोग? परसों हम यहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगा, कल से जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे, और जो कल है
श्री परसु हम तो हर समय अन्नकूट गिरिराज की पूजा हम परसु करते थे, लेकिन गिरिराज की पूजा हम करेंगे कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा भागवत में बहुत बड़ी एक पूजा है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद बताए श्री अन्नकूट गिरिराज गोवर्धन की पूजा में केवल एक अन्न का दाना जो गिरिराज की सेवा में देते हैं, भगवान कभी घर में अन्न वस्त्र का अभाव होने नहीं देते, उसका घर में लक्ष्मी भरपूर रहती है। भगवान की एक अन्न केवल गिरिराज की पूजा में जो लगाते, इसलिए कल हम अन्नकूट गिरिराज पूजा करेंगे। आप लोग अपना अपना घर से ना थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बना करके लाना, बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में, जैसे थोड़ी सी हलवा बना देना, थोड़ी सी नहीं तो पूरी, नहीं तो जो बढ़िया चीज़ आप बना दो, जो घर में सबसे बेस्ट चीज़ बनाते हो वो बना करके थोड़ी थोड़ी लेना, नहीं तो कोई फल ले आना, थोड़ी मिठाई ले आना। कल गिरिराज की पूजा होगी, उसको बाद में वो प्रसाद आप लोगों को मिलेगा, ठाकुर जी को गिरिराज के भोग में लगेगी, अरे वो प्रसाद आप लोगों को ही, वो प्रसाद मिलेगा आप लोगों को ही, बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। कल खाली हाथ से कोई नहीं आना, कुछ ना कुछ गिरिराज की पूजा के लिए लेकर जाना। इसलिए गिरिराज को बताया सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब है जो सारे इच्छाओं को पूरी करती है। गिरिराज कौन कौन गए हो? गिरिराज, गिरिराज कौन कौन, कोई हाथ नहीं था, गिरिराज गए। आप देखना गिरिराज में, गिरिराज की शिला देखना, गिरिराज की जो पत्थर देखना, एक पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, जानते हो क्यों रखते हैं? बोले गिरिराज जी हमें इतना मंजिली मकान दे दो, जितना पत्थर रखे ना, बोले इतना मंजिली हमें मकान दे दो, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते हैं। आप देखना पेड़ में धागा बंधी हुई देखोगे, देखना गिरिराज को अभिषेक कर रहे हैं, बोले क्यों? बोले जिनकी बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, बोले हे गिरिराज जी हमारी हैं बच्चों का शादी हो जाए, बिजनेस चल जाए, इसलिए इनका नाम है गिरिराज गोवर्धन। और ये सर्व अभीष्ट प्रदाता, सब इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उनको पीछे 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 पीछे, ठाकुर जी स्वयं उनको पीछे पीछे ठाकुर जी चलते रहते हैं। ये सबसे पहले गिरिराज की पूजा किसने करवाए? ये कृष्ण करवाए, और कोई नहीं किए। कृष्ण सबसे पहले अपने हाथों से गिरिराज की पूजा की, कृष्ण सबसे पहले गिरिराज की परिक्रमा लगा भगवान, इसलिए गिरिराज पूजा की बड़ी महिमा। इसलिए कल श्री गिरिराज की पूजा हम लोगों ने बड़े धूमधाम से करेंगे और गिरिराज की उत्सव करेंगे, ठीक है। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री राम। हरे कृष्ण। जब श्री कर्दम ऋषि को साथ में श्री देहूत की शादी हो गई, जब शादी हो गई देहूत कर्दम ऋषि की, जब शादी हो गई, अभी शादी को बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठी गए। जब भजन में बैठी गए, माता देहूति पति की बड़ी सेवा की, 10,000 साल भजन में बैठी। उसको बाद में जब उनकी आंख खुली और माता देहूति पति की सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी बन गई, एकदम केस में जटा जटू आ गया है। बोले तुम कौन हो? बोले आपको याद नहीं, आपने कभी शादी किया था? बोले तू वही देहूति? बोले हाँ। बोले तुमने श्रृंगार नहीं की? हाँ। देखो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, मैंने देखा अपना घर में माताएं वो सवेरे कोई श्रृंगार नहीं करती थी, माताएं शाम को श्रृंगार करती थी। बोले क्यों श्रृंगार करती थी शाम को, सवेरे क्यों श्रृंगार नहीं करती थी? क्योंकि पति काम में जाता है, पति काम में जाता है, पति शाम को काम करके वापस आता है। पत्नियां जो श्रृंगार करती हैं किसके लिए श्रृंगार करती हैं? किसके लिए? पति के लिए करती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है जो सर पर जो कपड़ा रखना ना, क्यों माताएं सर पर कपड़ा धारण क्यों रखती है? क्योंकि हमारी सुंदरता और किसी पुरुष के लिए नहीं, केवल हमारी सुंदरता अपना पति के लिए, इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए माता देहूति देखा जब पति भजन करने के लिए बैठा, फिर मैं श्रृंगार किसके लिए करूँ, किसको दिखाऊँ श्रृंगार? इसलिए उसने श्रृंगार नहीं की, जटाजुट हो गई। बोले बताओ तुम्हारी क्या इच्छा? बोले ठाकुर जी आपको क्या वरदान दिए थे? बोले ठाकुर जी जब उन्होंने तपस्या की, जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो,
बोले प्रभु पहला वर है आपकी इच्छा संसार का क्रम बढ़े, आपकी इच्छा से मैं शादी करूंगा, लेकिन जब आप स्वयं मेरे बेटे बन करके आओगे। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं तेरा बेटा बनूंगा, ये पहला वरदान। दूसरा बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे बच्चे नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर भजन के लिए चले जाए। बोले कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। और वो स्नान करते ही पहले वो जितने सुंदरी थी ना राजकुमार की, वो इतने सुंदरी थी आकृति देवती पशु थी, स्वर्ग में देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते थे हैं। लेकिन फिर जब ये बिंदु सरोवर में स्नान की उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। तब श्री कर्दम ऋषि ने अपना मन से एक विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामक विमान। देखो पहला जो साइंस है अभी का साइंस तो बहुत एडवांस था, वर्णना आती है वो विमान इतने बड़ी थी कितने क्रोश तक वो विमान था, जिसमें सुंदर राजमहल बनी हुई, जिसमें सुंदर फल फूल से भरा हुआ, जिसमें कमल फूल खिल रहा था, जिसमें राज हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। कहते जो विमान में बैठने पर ठंडा भी नहीं होगा गर्म नहीं है, और जिसमें बैठने पर कोई बूढ़ा होगा नहीं कोई बूढ़ी नहीं होगी, ऐसे विमान है जिसको ऊपर बैठ करके कभी जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं, जो अपने आप कामक मतलब जैसे इच्छा वैसे ही घूमेगा। आप लोगों ने सुने होंगे रावण के पास में एक विमान था जिसका नाम पुष्पक विमान, सुने कि नहीं, जैसे इच्छा करो आकाश में वो विमान आप उड़ता था। इसलिए साइंटिस्टियों ने वो विमान को देख करके अभी एरोप्लेन को निकाले, ये एरोप्लेन को तभी निकाले पहले सब चीज को देख करके। कहते जर्मनी के लोग हमारे भारत में आए और हमारे जितने वेद उपनिषद ना सब चोरी करके ले गए यहाँ से, सब चोरी करके ले गए यहाँ से। और उनको देश में भी संस्कृत पढ़ाई होता है, जर्मनी में लड़के लोग अभी जापान में जर्मनी में संस्कृत पढ़ रहे, क्यों, संस्कृत शब्द से उसका उच्चारण बहुत सुंदर होता है। लेकिन हमारे भारत ने संस्कृत को भी डेड लैंग्वेज कर दिया, भले सब संस्कृत संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ा तो अंग्रेजी पढ़ाओ बच्चों को, अंग्रेजी पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन वे लोग हमारी भाषा को भी आदर देते हैं, हैं? इसलिए अभी कर्दम ऋषि उसमें बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे, उनकी सुंदर सुंदर नात उनकी बेटी हुई। बोले अभी तो देवती खुश हो गए, बोले नहीं ये बेटियां तो शादी होकर के अपना ससुर घर में चली जाएंगी, फिर मेरे पास में कौन रहेगा। तब माता देवती कर्दम की सेवा की, भगवान कपिल मुनि बन करके आए। बोले श्री कपिल मुनि की, अभी पिताजी भजन करने के लिए चले गए, नौ नौ बेटियों की शादी हो गई, अभी घर में माँ और बेटी रह गई। लेकिन माँ को पता मेरे जो बेटा है ना ये स्वयं भगवान है। एक दिन माँ आकर के अपना बेटे को पास में कहते बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, बता मेरे कल्याण कैसे होगा, मेरी उद्धार कैसे होगी। तब भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करते हुए ये सब जीवों को शिक्षा देते हैं। बोले माँ ये जो मन है हमारे 11 इंद्रियां हैं, कितना इंद्रियां हैं, कहते 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, और इनका जो राजा ये मन है। बोले माँ जो मन है ना यही मन ही बंधन का कारण है और यही मन ही मुक्ति का कारण है। जैसे चाबी होता है ना, जैसे ताला तो एक होता है लेकिन एक चाबी से देखना ताला बंद हो जाती है, उल्टा घुमाओ तो बंद हो जाएगी और सीधा घुमाओ तो ताला खुल जाएगी। कहते माँ उसी तरह ये मन को जब विषय में लगा दो ये मन बंधन का कारण बन रहा है, लेकिन यही मन को जब भगवान में लगा दो ये मुक्ति के कारण बन जाएगी। इसलिए माँ ये जो मन को तुम भगवान के भजन में लगाओ। बोले बेटा तुम तो बोल ही दिया लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल है। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करिए, तो मन बड़ा चंचल है पर ये भजन में कैसे लगाएंगे। बोले माँ अगर ये मन को भजन में लगाना चाहते हो फिर भक्तों की संग करो, संतों की संग करो,
संतों का संग में अगर बैठोगे, भगवान की कथा सुनोगे, मेरी कथा सुनोगे, मेरी कथा सुनते सुनते मन अपने आप भजन में अपने आप मैया लग जाएगी। केवल मन को लगाने का एक उपाय संतों की संग है। बोले बेटा तुम तो बोल दिया संतों की संग में मन को लगाओ, लेकिन इस संतों को पहचानना भी तो बड़ा कठिन ही है, और विशेष करके कलयुग है, ये कलयुग में तो संतों को पहचानना बड़ी कठिन है। हम तो संत किसको मानते हैं, जो कपड़े को रंगा लिए, तिलक कंठी धारण कर लिया, हम उसको ही संत मानते हैं। तो भगवान ने संतों का कुछ लक्षण कहते हैं, बोले माँ संतों में कुछ लक्षण है। देखो भगवान खुद कहते हैं, बोले तितिक सब कारुणिका श्रोहिद सर्वदेना अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषणम। बोले संतों का पहला लक्षण है, जीवन में जितने भले ही विपत्ति आ जाए वो कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। जीवन में जितने दुख कष्ट आ जाए लेकिन भगवान की भजन कभी छोड़ेंगे नहीं, हर समय में प्रभु की भजन में लगे रहेंगे, हैं? इसलिए इनके अंदर में कोई क्रोध नहीं आएगा। अब लोग एक संत का नाम सुने होंगे, इनका नाम था श्री तुकाराम। ये तुकाराम जी कभी, इनको कभी क्रोध नहीं आता था। एक समय कुछ गांव के लोग ने सोचा, बोले भैया ये बाबा को तो कभी क्रोध नहीं आता है, आज इनको तो क्रोध दिलाग नहीं छोड़ेंगे। ये रोज गंगा में स्नान करते थे, जब वो संत गंगा से स्नान करके आए ना, एक टोकरी में जितने सबके सब हैं, सबके सब कचड़े भर करके जब आए, पूरा उनका सर पर डाल दिया। वो बाबा कुछ ही नहीं बोले, फिर जा करके गंगा में स्नान करके आए, फिर डाल दिया। ऐसे 100 बार उनको सर के ऊपर कचड़े को डाले, लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोले। 100 बार उन्होंने गंगा में स्नान किया, जब आए सब लोग उनका चरण में गिर पड़े, बोले बाबा हम तो सोच रहे थे आपको आज क्रोध दिलाएंगे, लेकिन आपको तो एकदम क्रोध नहीं आया, आपका चरण में हमने अपराध। देखो वो संत क्या कहते हैं, बोले भैया तुम्हारी जैसे मेरे को उपकार करने वाले कोई नहीं। बोले कैसे, बोले रोज तो मैं एक बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज कितना बार स्नान कर लिया, 100 बार मैंने स्नान कर लिया तुम्हारी वजह से। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भक्तों का जो पहला गुण है ना, तितिक सव, मतलब सहन करना उनका सबसे पहले शक्ति। देखो घर में हो नहीं तो साधु जीवन में हो, ये जो सहन शक्ति है ना हर जगह में तुम्हें चाहिए। इसलिए कहते जो सहन सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश है, समझ रहे हो? जो सहन करता है वही रहता है, और जो सहन नहीं करता है ना सहे वो नाश हो जाएगा। अगर संसार में थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाओ, क्रोध आ जाए, फिर वो घर गृहस्थी चलेगी तुम्हारी? वो घर गृहस्थी चलेगी? वो चली नहीं सकती है। इसलिए भक्ति करना तो पहला गुण क्या, पहले सहन शक्ति को पहले सीखो, थोड़ी थोड़ी बात में मचल मत जाओ, क्रोध नहीं आनी चाहिए, इसलिए ठीक सब। दूसरा गुण है कारुणिका, वो बड़े दयालु होते हैं। और तीसरा जो गुण है सुहृद सर्वदेहिना, ये दुनिया को अपना एक परिवार मानता है। बोले वसुधैव कुटुम्बकम, कहते हम संपूर्ण पृथ्वी में जितने जीव है हम सबके सब एक परमात्मा की हम संतान हैं, हम एक ही परिवार, हम कोई अलग परिवार नहीं, हमारे पिता भगवान ही हमारा पिता है। इसलिए भगवान ने संतों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गुण बताया। बोले माँ अगर भक्ति करना चाहते हो मन को प्रभु की भजन में लगा दो, संतों के संग में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। फिर बोले देखो माँ अगर ये जीवन पा करके कोई भक्ति नहीं करता है, बोले माँ मरने का बाद बड़ा कष्ट उसको उठाना पड़ता है। देखना हम लोग मरने का बाद कितना दिन बाद में शुद्धि होते हैं, कितना दिन के बाद में, 13 दिन के बाद। हमको पता है ये 13 दिन के बाद में हम क्यों शुद्धि होती है? देखना आप लोगों का घर में मरने का बाद एक गरुड़ पुराण सुनाते हैं, सुनाते हैं गरुड़ पुराण सुनते हो ना, वहाँ पर बताया गया ये 13 दिन के बाद में क्यों शुद्धि होती है। यहाँ पर भगवान अपना माँ को यही कह रहे हैं, बोले माँ मरने का बाद एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम बैतर है। जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है उसको पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाती है,
और उसको कोड़े मार मार कर उसको पार करवाना पड़ता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे, अगर कोई ज्यादा पाप कर्म किया होगा ना, कहते भैया उसका नाम पर गैया दान दे दो, कम से कम उसका पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी उसको मुक्ति मिल जाए, हैं? पूछ पकड़ करके मुक्ति मिल जाए। कहते ये बैतरणी नदी किसको पार करना पड़ता है, ये टाटे पेशाब खून पी को, बोले जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भजन करते हैं ना उनको ये सब पार करना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए देखो हमको तीन चीज करना चाहिए। कितना चीज? एक उदाहरण दिया, जैसे आप अमेरिका जाना चाहोगे, नहीं तो लंदन जाना चाहोगे, नहीं तो यूरोप जाना चाहोगे, आपके पास में तीन चीजें होनी चाहिए तभी आप विदेश जा सकते हो। आप बता सकते हो तीन चीज क्या होनी चाहिए? और क्या? वीजा और पासपोर्ट। और क्या होनी चाहिए? शिक्षा। और क्या होनी चाहिए? शिक्षा। और क्या होनी चाहिए बता? वीजा, पासपोर्ट और एक चीज टिकट होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए। तीन चीज तुम्हारे पास में हो, देखना इसी दुनिया में, इसी जगत में भी अगर किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो, पहले पासपोर्ट, उसके बाद में वीजा, और उसके बाद में फिर पैसा टिकट हो, तभी आप इसी दुनिया में दूसरे देश को जा सकते हो। इसलिए संत लोग उदाहरण देते हैं, अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते हैं, हमारा पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। पहले पहला नंबर ध्यान देकर सुनो, इतनी सी बात लेकर के जाना, पहला नंबर होनी चाहिए पासपोर्ट। बोले भैया पासपोर्ट क्या है? बोले पासपोर्ट के लिए उदाहरण देते हैं, आपका गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, तुलसी की माला होनी चाहिए, हैं? क्योंकि हम भक्ति जो करते हैं पता कैसे चलेगा भाई भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गले में तुलसी कंठी से पता चलता है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी जिसने इस्कॉन को स्थापन किया, जब उन्होंने अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे तो उन्होंने अंग्रेजियों को बोले भैया गले में तुलसी कंठी पहनो, ये अंग्रेजियों को पता किया तुलसी क्या होता है, ये हिंदू लोगों को बताए तुलसी की पूजा करो, आरती उतारो, परिक्रमा लगाओ, तुलसी में पानी दो, हिंदू लोग जानते हैं, वो तो अंग्रेजी अमेरिका को बोले भैया ये लकड़ी क्यों पहनेंगे गले में, ध्यान देकर सुनो, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास में सोने चांदी है, हम सोने चांदी पहनेंगे, लकड़ी क्यों पहनेंगे? तब हमारे जो स्वामी महाराज ने बताया देखो ये लकड़ी नहीं है, तब उन्होंने हमारा वेदों से, हमारे पुराण से, भागवत से, उन्होंने श्लोक उठा उठा करके उनको प्रमाण दिया ये तुलसी वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। तब अमेरिका में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं, ये पेड़ में है क्या चीज? जब उन्होंने रिसर्च किया देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ना ये तुलसी वृक्ष में, इधर देखो कर तरफ में देखो, इसलिए सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन कहाँ पर, कहते ये तुलसी वृक्ष में। आप लोग कल मेडिसिन शॉप में जाना, एक दवा को ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, आप पूछना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतना बड़ा आपको शीशी देगा, उसको अंदर में इतना बड़ा पेपर देगा, आप कल ये पेपर को पढ़ करके मेरे को बताना वो पेपर में क्या लिखा हुआ। कहते अगर दो तो केवल तुलसी पता अगर कोई खाता है रोज दो तो तुलसी पता, कभी इसको टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगी। आप जो वो बोतल आपको मिलेगा देखना वहां लिखा हुआ 200 बीमारी का जो मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में, पानी में कैसे पियोगे, स्किन के लिए, कान के लिए, आंख के लिए, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये तुलसी पौधा से जो नष्ट नहीं होता है। इसलिए जैसे खाने का समय पर हम तुलसी पत्ता देते हैं ना ठाकुर को सेवा के लिए, क्यों? ये भी बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि उसमें जितने गंदी बैक्टीरिया ना तुलसी पत्ता तो खत्म हो जाता है, उसको पवित्र कर देती है, ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा साइंस ही है। इसलिए गले में जब हम ये तुलसी कंठी पहनते हैं ये तुलसी में सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति है हर घर में तुलसी वृक्ष रखते हैं ना। बोले क्यों? एक में तो ये तुलसी लक्ष्मी है, आप देखे होंगे नारायण के साथ में तुलसी की शादी होती होती कि नहीं, इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई। और जितने सारे मेडिसिन तुम्हारी गले में सारे मेडिसिन आ गए, और ये तुलसी वृक्ष में भगवान की निवास है, बांके बिहारी का निवास है, ठाकुर का निवास है, इसलिए गले में अगर कंठी है ना सारे मेडिसिन आ गया, बांके बिहारी आ गए और माँ लक्ष्मी आ गई तुम्हारी। जब हम स्नान करते हैं
जब स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में इसका पानी जाती है स्पर्श करते हुए, तो बड़े से बड़े बीमारी अपनी आप शरीर से सारे बीमारी निकल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए गले में तुलसी की कंठी हमारी जरूर पहननी चाहिए। हाँ देखो अभी प्रश्न है, हम इसको गले में क्यों धारण करते हैं, इसका क्या साइंस, ये चीज को अच्छे तरह समझो। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग है ये कंठ है। अगर किसी व्यक्ति को मारना हो जाता कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल गला दबा दो खत्म, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। जब शरीर में कोई गंदी चीज प्रवेश करती है कंठ से, इसलिए बच्चों को हम ताबीज कहाँ पहनाते हैं, कहाँ ताबीज पहनाते हो, गले में। बोले क्यों, बोले सारी गंदी चीज कंठ से प्रवेश करता है, इसलिए गले में। देखना मुसलमान हो क्रिश्चियन हो हिंदू हो, कहते ना भैया गले को खाली मत रखा करो, कुछ ना कुछ गले में सोने का, जैसे सोने चांदी गले में पहनते है ना। इसलिए ये तुलसी में कौन है, सारे मेडिसिन, इसमें माँ लक्ष्मी भगवान बांके बिहारी का निवास। अगर कोई गंदी चीज आएगी ये आपको रक्षा कर पाए गले में रहा है, इसलिए इसका नाम कंठी कहते हैं। कोई भी गंदी चीज आपको रक्षा करेगा, अंदर में घुसने नहीं देगा। इसका सबसे बढ़िया कारण बताए, जब महाराज उन्होंने दूतों को बोले, बोले देखो जो भजन नहीं करते है ना उनको पकड़ पकड़ करके जमपुरी में ले आओ, तब उन्होंने पूछा भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता, पता कैसे चलेगा। देखो उन्होंने क्या बताया, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं। कितने तरह के कुत्ते होते हैं बताओ, कितने तरह के होते हैं, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। आप देखना जो पालतू कुत्ते होते हैं उनकी गला में पट्टी बंधा हुआ रहता है, गले में पट्टी बंधा हुआ रहता है, पट्टा रहता है गले में। और जो फालतू कुत्ते को देखना रोड में भैंसे घूमते हैं, देखना फालतू पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है वो कौन हो गए, कौन हो गए, और जो नहीं है आप बताओ फालतू बनेंगे ना फालतू बनेंगे, बताओ फालतू बनेंगे, फालतू नहीं बनेंगे। ये जब महाराज दूतों को कह रहे हैं अगर गले में कंठी होगा ना वो जो बैतरणी नदी है आपका कभी पार करना नहीं पड़ेगा, वो गले में कंठी देखते ही जमदूत पहचान जाएंगे भैया ये ठाकुर जी की ये आश्रय लिए हुए हैं, खबरदार उनको पास में फटकना नहीं, आप तो दूर से प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। इसलिए गले में कंठी होनी चाहिए, ये हो गया पासपोर्ट। दूसरा नंबर भीजा, बोले भीजा क्या चीज, बोले ये तिलक होनी चाहिए, ये तिलक धारण करनी चाहिए। जो तिलक है देखो कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे भजन करना तो अंदर में करना, दुनिया को क्यों दिखाते हो, ये कंठी तिलक माला ये सब दिखाने का क्या जरूरत है, अंदर अंदर में करो। देखो एक स्त्री विधवा ना सधवा हमें पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है, जब कोई हाथ में शंखा पहना हो, मांग भरा हुआ हो, सिंदूर लगाया हुआ हो, मंगल सूत्र पहनती है ना, इससे पता चल जाता है भैया ये सधवा। अरे विधवा तो अपने आप पता चल जाती है, भैया तुम्हारी पति कब से हुए है, शादी से पहले तुम्हारी कोई मतलब था पति से, अगर बीच में लड़ाई हो गई तो, अगर डाइवोर्स हो गया फिर पति कहाँ गया, अगर रहा भी मरने के बाद फिर कहाँ गया, वो गया कहाँ फिर। जब ये दुनिया की साधारण पति के लिए हमने इतने श्रृंगार कर दिया, इतने श्रृंगार कर देते हैं, दो दिन की पति कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी ओ गोपाल जिसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हनी बना दो। इसलिए जब ये जगत का पति के लिए करते हैं भैया, अभी परमात्मा जो परम पति के लिए कितना नहीं करनी चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए उनके लिए। अगर किसको बोला जाए क्यों अंदर में पति को रखो ना, दुनिया को क्यों दिखाते हो, जैसे तुम्हारी पति जिंदा है अगर तुमने सारे श्रृंगार उतार दो सधवा की, एकदम सफेद साड़ी पहन लो, विधवा बन करके पति को सामने चले जाओ, बताओ पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, बोलेगा जिंदा रहे तो रहे तुमने मेरे को खत्म कर दिया, तुमने मार डाला। जब जगत का दुनिया पति, जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है
वो ईन भ्रम ड्रेस पहनता कि नहीं? ईन भ्रम को साथ में पढ़ने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ईन भ्रम ड्रेस पहनता है। एक जज जब कोर्ट में जाता है वो अपना टाई अपना कोट पहन करके जाता है, नहीं तो उसको बैठने नहीं देगा वहां पर। एक पुलिस जो खड़ा रहता है, हम कैसे पता चलता है पुलिस ये? उसका ड्रेस देख करके। भैया जब हर जगह में ये चीज को स्वीकार करते हैं, पर भक्ति में क्यों नहीं करेंगे? इसलिए तिलक लगानी चाहिए। देखो हम लोग तो हिंदू है ना। अब देखना, जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? इसको तिलक लगा कर भेजते हैं। बोले क्यों? तिलक विजय का लक्षण है, तिलक विजय का लक्षण है बेटा, तुम्हारी काम बन जाए। जैसे कोई ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना, तब तक वो पूजा तुम्हारी नहीं करवाएगा। पहले तिलक लगाएगा फिर पूजा करेगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। इसलिए देखो ठाकुर जी तिलक लगाए, बांके बिहारी को देखो तिलक लगाए, राम को देखो तिलक है, नारायण को देखो तिलक है, हनुमान जी को देखो तिलक है। तिलक है कि नहीं? आप किसी देवता को देख लो, सभी की ललाट में तिलक जरूर होगा, ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? गले में कंठी होनी चाहिए और हमारे तिलक कभी ये क्या हो गया भीजा, उसके बाद में टिकट होनी चाहिए। हाँ पैसा होनी चाहिए, टिकट होनी चाहिए, तभी तो जा सकते हो। बोले टिकट क्या है? बोले कली युग के बलना मा आधारा, कली युग के बलना आधारा, कली युग के बलना मा आधारा, कली युग के बलना मा आधारा। सुमेरी सुमेरी नरे उतरई पारा, सुमेरी सुमेरी नरे उतरई पारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस बड़ा पार है। देखना भले ही ये दुनिया में तुम जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही बोलेगा ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गते है सब कोई बात झूठा है, यही बोलेगा ना। बोले बेटा जितने भजन किया ना वही जा रहा है, और जो कुछ किया यही पर छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है? क्या करनी चाहिए? कंठी तिलक और माला भगवान की जप करनी चाहिए, ठीक है ना? सबके सब भगवान भजन करेंगे। अभी भगवान बामन देव आने वाले, हमारे बीच में एक माता जी है, एक माइक ले लो फटाफट लो, ये माइक लो। एक माता जी एक सुंदर भजन गाएगी, ये बहुत अच्छी भजन गाती है, एक भजन गाएगी, फिर इसको बाद में भगवान बामन देव फिर कर लिए आएंगे। और कल श्री राधा रानी जन्म लेगी, कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? हैं पीली रंग की। कल कौन सा रंग की साड़ी पहनोगे? हाँ गुलाबी रंग की कल साड़ी पहन। आज तो कुछ माताएं गुलाबी रंग भी पहन करके आई हो। हम गुलाबी रंग क्यों पहनेंगे आपको पता है? देखो आज ये पीला रंग क्यों पहने आपको पता है? अब देखना भगवान कृष्ण कौन सा रंग के कपड़ा पहनते हैं? पीला रंग। बोले क्यों पीला रंग पहनते हैं? राधा रानी का जो रंग है वो पीला रंग है। बोले राधा रानी कौन सा रंग की साड़ी चुनरी पहनती है, कौन सा रंग की लहंगा पहनती है? कहते राधा रानी कहते नील रंग की लहंगा पहनती है। बोले क्यों? बोले कृष्ण का रंग नील है, लेकिन उसका जो ओढ़नी है चुंदरी है वो गुलाबी रंग की है, ये गुलाबी रंग की। बोले क्यों? जैसे हम होली खेलते हैं ना, आज भी रज में होली रे रसिया, वो जो गुलाल है वो गुलाल रंग क्या है? कहते अनुराग है। मतलब राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है वो गुलाल, मतलब वो गुलाल रंग नहीं, वो कृष्ण रूपी अनुराग से वो अपना शरीर को ढक करके रखी है। कृष्ण कौन सा रंग पहने हैं? पीला रंग। मतलब राधा जी की प्रेम से
अपना शरीर को ढक करके रखे और राधा रानी कृष्ण नीला नील मतलब कृष्ण का रंग नील है इसलिए नील रूपी लहंगा को पहनते मतलब कृष्ण रंग में रंगी हुई है ठीक है ना। इसलिए कल सबके सब राधा रानी की जन्मोत्सव कल गिरिराज की जोर धूमधाम से गिरिराज की पूजा होगी ठीक है। और जो परसों है श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा परसों क्या है जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलेगा बड़े धूमधाम से तुम्हारी गली गलियों में और बड़े दूर दूर से बड़े भक्त लोग आएंगे कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए सबके साथ आपका गली गलियों में जगन्नाथ जी को लेकर कीर्तन करेंगे। और जगन्नाथ जी रथ यात्रा की बड़ी महत्व है कहते जो एक बार रथ ऊपर में ठाकुर का दर्शन कर ले एक बार केवल दर्शन कर ले पुराण कहता है पुनर्जन्म न बिद्यते उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। ये रथ नहीं ये राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में भगवान कृष्ण को बैठा करके ले जा रही है और उसी समय में उनको जो कुछ मांगो ठाकुर जी सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं जो कुछ उसको मांग लो ठाकुर जी सब इच्छा ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। इसलिए कल हम जगन्नाथ जी की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे अभी माता जी एक भजन आपको अज्ञान तिम्रस्य ज्ञान जन सलाकय चक्षुर्मीलितमे गुरुवे नमः कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कान राधा कान स्तुति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो बिहारी लाल की गुरुदेव की आज्ञा में एक भजन के साथ हम सभी लोग वृंदावन चलेंगे कौन कौन चलेंगे मेरे साथ जरा हाथ उठाकर बताएंगे बोली बाकी बिहारी लाल की पहले से दिखाई दे पहला तो यही बैठे बैठे हमें विनती करनी है ठाकुर जी से कि हे ठाकुर हमें यही बैठे बैठे आप वृंदावन बुला लीजिए है ना। और वृंदावन जाना है पागलों की तरह कैसे बुला लो बुला लो बुला लो
ये एकदम खाली है, इसे आप अगर भर सकते हैं तो केवल आप, और अन्यथा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। करुणा करो भैया, करुणा करो भैया, देवता और दैत्य में बोला श्री भगवान बामन देव की। बामन देव को बनाया कि नहीं? बामन देव हरे कृष्णा कहती है, देवता और दैत्य में ये प्राय करके ना ये लड़ाई हुआ करती थी। अभी अगर देवता मर जाए तो मर जाए, लेकिन दैत्य मरे तो उनका गुरु जी शुक्राचार्य उनको जिला देते। हरे कृष्णा हरि बोल। वहां पर क्या हो रहा है भैया? हरे कृष्णा हरि बोल। इधर इधर आ जाओ, झगड़ा मत करो। हरे कृष्णा बच्चों का लड़ाई में थोड़ी लड़ाई करते हैं। हरे कृष्णा बैठ जा, तुम लोग क्यों खड़े हो गए, क्या हो गया तुम्हारे? हरे कृष्णा, बच्चों का लड़ाई में बड़े लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो लड़ाई करते रहते हैं, बच्चों को लड़ाई में बड़े लड़ाई मत क्या करो, बच्चों को लड़ाई में बड़े लड़ाई मत क्या करो। हरे कृष्णा, बच्चों को लड़ाई में बड़े लड़ाई मत क्या करो। हम लोग बड़े हो, बड़े लोग थोड़ी बच्चों को लड़ाई में लड़ाई करते हैं। बच्चे को लड़ाई में लड़ाई मत क्या करें। हरे कृष्णा, पिताजी को इधर बुला दो, बाबा को इधर, बाबा जी को इधर बुला दो। हरे कृष्णा हरि बोल। बाबा जी को इधर बुला दो, मेरे पास बुला दो। इनको इधर बुला लेकर ले आओ, बाबा को इधर बुला कर ले आओ, इधर इधर बुला कर ले आओ। अरे बाबा जी को इधर बुला कर ले आओ, कौन खड़ा हुआ? अरे बाबा जी मैं इधर लेकर आऊ, मेरे पास में ले आओ उनको। बाबा जी इधर आ जाओ, आप बाबा इधर आ जाओ।
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय बैठ जा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय देवता मरे तो मरे और दत्ते मरे तो गुरु जी शुक्राचार्य जी उनको जिंदा कर दे। एक समय देवता लोगों ने गए भगवान को पास में, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे? बोले ये समुद्र मंथन करो, इससे अमृत निकलेगा, पी करके अमर बन जाओ। फिर देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किया, सबसे पहले ये जहर निकला, हलाहल बीज। शंकर जी को प्रार्थना किया तो शंकर जी पूरा टन के टन उन्होंने एकदम जहर को पान कर दिया। और कहाँ पर रख दिया? बोले अपना कंठ मेरे पास, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर कोई गंदी चीज हो ना अपना हृदय में मत रखा करो, फिर हृदय गंदी हो जाएगी। कोई गंदी चीज हो मुंह में भी मत रखा करो, मुंह में अपवित्र लड़ाई झगड़ा होगा। कहाँ पर रखा उसको गले में धारण कर लो। शंकर जी ये दुनिया को शिक्षा देते हैं, गंदी चीज को अपना गले में ही धारण करो, इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। इसलिए देखना इस संसार में अगर कोई गंदी चीज मुंह में रखो लड़ाई हो जाएगी। बताओ ये महाभारत क्यों हुआ? ये द्रौपदी की वजह से। इसलिए ये द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, इसलिए पूरा महाभारत हो गया है। देखना हर चीज में हड्डी है, हाथ में हड्डी, हाथ को ऐसे कर लो, कमर में हड्डी बैठी गई, पैर में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, बता सकते हैं? बताओ कौन बोलेगा एक चीज में हड्डी नहीं? ये जीवा में। इसलिए देखना ये जीवा हर समय लपर 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 करता है, ये कुछ ना कुछ बोलेगा और ऐसे बोलेगा लड़ाई झगड़ा कर देगा। कहते ये रामायण क्यों हुआ? बोले सीता, सीता ने केवल इतनी सी बोल दी लक्ष्मण को है, सीता ने थोड़ी सी कड़ी वचन बोल दी और इतने में लक्ष्मण चला गया राम है, राम को रक्षा करने के लिए रावण आया उठा कर ले गया। इसलिए देखना अक्सर करके संसार में भी ये जीवा की वजह से सारे लड़ाई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले भैया जीवा को चलाना तो
रोज रोज 1,00,000 हरि नाम जप करो रोज, हैं भगवान के नाम जप करो, फिर लड़ाई भड़ाई कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या करें, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर समुद्र मंथन हुई, बहुत कुछ रत्न निकला, फिर माँ लक्ष्मी निकली, माँ लक्ष्मी ने नारायण के गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के उठा ला, फिर तो झगड़ा शुरू हो गया। देवता बोले हम पियेंगे, दैत्य बोले हम पियेंगे। इतने में दैत्य लोग छीन लिया, ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य लोग अमृत पी लेंगे अमर बन जाएंगे तो दुनिया के लिए हानिकारक। भगवान मोहिनी अवतार लेते, मोहिनी अवतार लेकर के बोले तुम लोग दो लाइन करके बैठो। दैत्य को बोले पहले तो देवता को ऊपर ऊपर का पिला देती हूँ, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा ना, फिर तो हम एक साथ बैठ करके पियेंगे। लेकिन दैत्यों ने बोले देखो मोहिनी, भले ही अमृत हमें नहीं मिले, अगर तू मिल जाएगी ना, उनके सब कुछ मिल जाएगा। मोहिनी देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन दैत्यों को तरफ में थोड़ी सी तेरे से चित्त बने से देख रही थी और मीठी मीठी हंस रही थी। दैत्यों को तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं, वो मोहिनी के ऊपर में ध्यान है, उसकी मीठी मीठी मुस्कुराहट में पागल है। पिलाते पिलाते उन्होंने एक स्वर्भानु नाम का दैत्य था, उसने देवता चंद्र सूर्य के बीच में बैठ करके पान कर लिए। चंद्र सूर्य इशारा किया, ठाकुर जी ये देवता ने, ये दैत्य ने, ठाकुर चक्र बुलाया, गले को काट दिया, एक राहु और केतु बना, इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये ग्रास करता है। हाँ देखो यहाँ पर बताए हरे कृष्णा, कहते जब उन्होंने स्वर्भानु नाम दैत्य को वध किया, जहाँ पर चक्रस में काटे, जहाँ पर उनकी मांस गिरा, वहीं पर ये प्याज की वृक्ष हुई, जहाँ पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहीं पर लहसुन हुई, जहाँ पर खून की बूंद गिरी वहीं पर मसूर का दाल हुई। इसलिए ये तीन चीज को ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है। जैसे अभी जैसे नवरात्रि, आप लोग नवरात्रि रखते हो ना, 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो? हम लोग नहीं खाते। बोले क्यों? कहते इसका जो सृष्टि है ना, वो राक्षस का मांस से इसका सृष्टि हुआ, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता ये सब चीज़ को। इसलिए ये चीज़ को छोड़ करके हमें शुद्ध रूप में भगवान के भोग बना करके ठाकुर को भोग लगानी चाहिए। अभी फिर तो देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, देवता लोग अमृत पी चुके थे। देवता लोग जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना, दैत्य को उन्होंने काटना शुरू किया। इतने में ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने रुकवाया। फिर दैत्यों का राजा बलि ने उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ से एक रथ निकला, धनुष बाण निकले, उसमें जो बैठ करके युद्ध करेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने स्वर्ग के ऊपर में अपना चढ़ाव करके देवता को मार मार करके भगा दिया, पूरा इंद्र आसन को दखल कर लिया। इतने में देवता लोग मरते जगत में मारे मारे भटक रहे। अभी देवता को माँ अदिति ने कश्यप ऋषि से बोले, मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले एक पयो व्रत, केवल 12 दिन का व्रत है, भगवान को खीर भोग लगाओ, नियम का पालन करते हुए रहो, फिर तुमको भगवान स्वयं वामन रूप में आएंगे, फिर ये स्वर्ग राज्य तुम्हें प्रदान करेंगे। फिर तो भगवान वामन देव तीन दो बार में भगवान वामन देव जन्म लेते हैं। बोले श्री वामन भगवान। फिर श्री बृहस्पति ने वामन देव का उपनयन संस्कार करवाया। नियम है उपनयन संस्कार को बाद में फिर बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए जानी चाहिए। अभी बोले भैया कहाँ भिक्षा मांगे? बोले चले जाओ नर्मदा नदी किनारा में, श्री बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ को बाद में जो जो कुछ मांगे उसको देते हैं, खाली हाथ में भेजते नहीं, वहीं पर तुम स्वर्ग राज्य को मांग करके हमें दो। जब वामन देव बलि महाराज का घर में पहुंचे, बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए, और वो भाग्य है क्या दिव्य ब्राह्मण है, आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया, चरण धोए, उनके चरणामृत पिए। बोले बताओ आपको क्या चाहिए? बोले पहले बोले संकल्प करो। शुक्राचार्य यज्ञ में बैठा हुआ था,
अभी उसको पता चला भगवान स्वयं वामन बन करके आए और तीन पग जमीन मांग करके त्रिभुवन को ले जाएंगे। इतने में शुक्राचार्य वहां पर आ गए, बोले सावधान बलि, जानता हूं ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और तुमको अमृत से वंचित कर दिया वो मोहिनी, अभी ये मोहन बन करके आया, खबरदार इसको दान मत दिया करो, ये तीन पग जमीन मांगेगा और तीन पग में विश्व ब्रह्मांड को नाप लेगा। बलि महाराज तो खुश हो गए, बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। बोले क्यों? बोले एक में तो भगवान, फिर मेरे दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आए, दुनिया तो उन्हीं की इच्छा करने पर सब कुछ ले सकते थे लेकिन मेरे पास में ठाकुर जी मांगने के लिए आए, मेरे जैसे दानी दुनिया में कुछ होगा? मैं तो जरूर दूंगा। शुक्राचार्य बोले मैं तेरे गुरु हूँ, गुरु का बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले जा तू श्री भ्रष्ट हो जा, तू श्री भ्रष्ट हो जा। बोले जो कुछ हो जाए ठाकुर को जरूर मैं दान दूंगा। इतने में फिर जब संकल्प करने के लिए गए, जो गंगा सागर है ना जो नाड़ है, फिर कीड़े बनकर बैठ गया, फिर कुश में छेद क्या था, एक आँख ही चली गई। फिर तो शुक्राचार्य भागे। हाँ देखो ध्यान देकर के देखो, अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई भगवत सेवा हो रही है ठाकुर की सेवा, कभी उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसमें कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जितने गुरु हो सकता है हमसे जितने बन पड़े सहाय करो, मदद करो, लेकिन कभी टांग मत अड़ाया करो। हैं अगर कुछ भी नहीं तुम्हारे पास में देने का जरूरत नहीं, कहती है भागवत धर्म की इतने महिमा है आद्री तवा अनुमोदित, अगर कहीं कथा हो रही है अगर इतनी सी बात कोई बोल दे, बोले भैया भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, अगर इतनी कोई बात बोल देना वो जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, सारे पाप से मुक्त हो करके भगवत गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है, इतने महिमा ये भागवत धर्म में। इसलिए उसकी एक आँख ही चली गई, फिर भगे वहां से। फिर उन्होंने भगवान एक पग में भूर भूव मोहजन तपसत्य लोक तक नाप लिया, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी चरणामृत को चरण धोकर के कमंडल में रखे, वही पतित पावन गंगा हो गई। बोले श्री गंगा मैया की जय, जय श्री जय कर लिया, बोले श्री गंगा मैया की जय। एक पग कहाँ पर गई? अतल भीतर तरातल पाताल लोक तक। बोले तीसरे पग कहाँ पर रखे? गरुण को बुला करके बांध दिए नाग बास बंधन में, लेकिन उनका जो पत्नी थी ना बड़ी धर्मवती थी, बड़ी धर्मवती रत्न वाला थी। इतने में पत्नी ने बोली भगवान को क्या दिया है, कुछ तो दिया ही नहीं, दुनिया उनकी, ठाकुर अपना दुनिया ले लिया। जब खुद को खुद नहीं देते हो थोड़ी ठाकुर को कुछ देना होता है, बोलो ना मेरे सर पर रखे। बोले भैया यही से पत्नी होनी चाहिए, स्त्री का एक नाम क्या है? पत्नी। पत्नी मतलब क्या है? पा मतलब होता है पतन, ती मतलब होता है पति को कभी पतन होने नहीं दे, मतलब पत्नी को हर समय पति को उठा करके रखे, पति की कोई भी विपत्ति आए हर समय पति को साथ दे, इसका नाम है पत्नी, है ना। इसलिए पति के धर्म में पत्नी को मदद करनी चाहिए। बोले तू सही पत्नी हो। बोले भगवान को बोले बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले प्रभु तो आप केवल दान तो लिए, अभी तो दानी स्वयं बाकी है। बोले बताओ चरण कहाँ पर रखे? बोले मेरे सर पर रखे। फिर ठाकुर जी उनका सर पर चरण रखे, सारे देवता देव देखकर हैरान हो रहे थे, सबके सब पुष्पों की बौछार किए। बोले श्री बलि महाराज की जय। बामन देव कहाँ है? बोले श्री बामन भगवान की जय। जय श्री राधे। देखो आज भगवान स्वयं आपको पास में भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। भगवान तो जिंदगी भर हमें दिया है, सुदामा ने दो मटी चिड़वा दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, भगवान भिक्षा मांगने जाएंगे। अब लोग थोड़ा थोड़ा आपको भगवान को भिक्षा देना, ठीक है ना? अभी भगवान आपके पास में भिक्षा मांगने जा रहे हैं। और जो कृष्ण और जो भगवान कृष्णा और नंद जसोदा को तैयारी कर लेना, ठीक है? तैयारी है बोलो, अब तैयारी कर लो।
गुणवान गुणवान की जय जय श्री राम। बुधिर द्वार खड़ा भगवान बुधिर द्वार खड़ा भगवान Oh,
और नारद जा रहे थे, जाते जाते हठात बड़ी रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कोई बोल रहे हैं, बचा लो, मारो मत, छोड़ दो। कृष्ण बोले, नारद जी हम कहां पर आ गए? बोले, प्रभु जी हम तो नरक को पास में आए हैं। यहां पर जम महाराज का दक्षिणी दरवाजा, यहां पर जम पापियों को दंड दे रहे हैं। बोले, चलो हम देखते हैं। वहां पर गए, देखा चौरासे नरक है। जीव जैसे जैसे कर्म किया उसको वैसे वैसे उसको यंत्रणा भोग करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति चोरी करते हैं हाथों से उनका हाथ काट रहे थे, जो शराब पीते हैं मुंह में लोहे गर्म करके मुंह में डाल रहे थे, जो मांस मछली खाते हैं जिंदा जिंदा करते से उसको काट रहे थे, जो इन्हीं आंखों से गंदी गंदी चीज देखते हैं उनका आंख निकाल रहे थे, वो जैसे जैसे जीव कर्म किया वो कर्म के अनुरूप उनको दंड मिल रहा था। अभी इसको देख करके इतने में इनको देखते ही भगवान नारद जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कृष्ण भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, जीवों को इतना कष्ट मिलता है, वो पापी लोग ऊपर देख रहे थे कोई हो तो बचाओ। इतने में जब कृष्ण वहां पर पहुंचे, कृष्ण का दर्शन मात्र से सबके सब मुक्त होकर चले गए, सब वैकुंठ चले गए। तब कृष्ण ने कहा, नारद जी बताओ आज कौन सा तिथि है? बोले, प्रभु आज एकादशी तिथि है। बोले, जाओ दुनिया में बिना बजाते हुए सबको प्रचार करो, ये एकादशी व्रत जो रखेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। नारद जी उठाए बिना, इतने में श्री नारद जी बिना उठाए और बिना बजाते बजाते सारा दुनिया में प्रचार कर दिया, ठाकुर का निर्देश है जो एकादशी व्रत रखेगा कभी नरक नहीं जाएगा। अभी लोग सबके सब एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया। एकादशी मतलब क्या है? 11 से एकादशी मतलब 11 है। कहते हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और उसका जो राजा ये मन है। नियम है एकादशी का दिन ये 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। व्रत तो रखनी चाहिए, एकादशी व्रत तो रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन अर्नों में सारे पाप रहते हैं। एकादशी व्रत तो रखनी चाहिए, लेकिन केवल व्रत रखना सब कुछ नहीं है। उस दिन जीवा से क्या करो? ठाकुर का कीर्तन करो, कानों से उसकी कथा सुना, हाथों से उनकी चरण की सेवा करो, हैं आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो, चरण से ठाकुर जी की तुलसी परिक्रमा लगाओ, सारे इंद्रियों को क्या करो? ठाकुर जी की सारे इंद्रियां ठाकुर जी को सेवा में लगा देनी चाहिए। अभी घर घर में एकादशी का दिन, घर घर में हरि कीर्तन, घर घर में ठाकुर को सेवा। अभी जो पाप था ना, ये तो बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जिस घर में जाए उसी घर में कीर्तन पूजा पाठ करिए, पाप कहाँ प्रवेश करता है।
बोले जहाँ पर ठाकुर का कीर्तन नहीं हो, ठाकुर जी का पूजा पाठ नहीं हो, पाप वहीं प्रवेश करती है। लेकिन अभी घर घर में तो ठाकुर का भजन कीर्तन पूजा हो रहा है, अभी ये पापी है ना, जो पाप था ये तो दुखी हो गया। दुखी होकर के ठाकुर जी को पास में गए, बोले ठाकुर जी मेरे को जान से मार डालो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आपने ऐसे एक एकादशी व्रत रखवाया, अभी घर घर में एकादशी व्रत कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए मेरे कहीं स्थान ही है नहीं रहने का, मेरे को कहीं स्थान दे दो। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी जो स्थान है एकादशी का दिन अर्ण में तुम्हारी स्थान है, इसलिए पांच रवि सस्य है, एकादशी दिन ये पांच रवि सस्य को त्याग देनी चाहिए। जैसे गेहूं है, गेहूं से जो कुछ बनती है, आटा बनती है, उसमें क्या बनती है, उसमें आटा बनती है और उसमें सूजी बनती, जो कुछ बनती है, और चावल, चावल नहीं खानी चाहिए, जौ नहीं खानी चाहिए, सरिसा नहीं खानी चाहिए, और जितने तरह का दाल है ये सब चीज को एकादशी का दिन नहीं भोजन करनी चाहिए। ये पांच रवि सस्य में ये सारे पाप, गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, कहते जो पांच सबसे जो बड़ा पाप एकादशी का दिन ये अर्ण में निवास करती है, इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। अभी उन्होंने पाप को स्थान दे दिया। अभी भारत में एक राजा थे जिनका नाम था श्री हैं रुक्मांगद महाराज। इनके देश में नियम था सारी प्रजाओं को एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, जो मेरे देश में एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको देश से मैं निकाल दूंगा, नहीं तो उसको मृत्युदंड। अभी घर घर में पूजा सेवा, घर घर में भगवान की कथा, यहाँ पर भी पापी दुखी होकर के भगवान के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को मार डालो। बोले क्यों? बोले ऐसे एक राजा आया जिसका नाम रुक्मांगद महाराज, वो एकादशी व्रत स्वयं रखते हैं, पूरा प्रजाओं को एकादशी व्रत रखवाया करते हैं। अरे स्वयं करो, ये सबको क्यों व्रत करवाते हो? इसलिए मेरा तो कोई स्थान ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, तुम जाओ मैं व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी एक लड़की सृष्टि की जिसका नाम थी मोहिनी, सचमुच से वो मनमोहिनी थी। ये पृथ्वी में इतने सुंदर स्त्री होती नहीं, इतने सुंदर स्त्री। बोले पिताजी बताओ क्या आदेश है? बोले देखो ये जो रुक्मांगद महाराज ये रोज जंगल में घूमने जाते हैं, इनको साथ में तुम शादी करके इनकी रानी बन करके जाओ और ये एकादशी व्रत को किसी तरह से नष्ट कर दो। अभी राजा जंगल में भ्रमण करते करते एक वामदेव नामक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहाँ पानी पीने के लिए गए तो ऋषि ने इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में आप कौन थे? आपका ये भक्ति में एकादशी में इतने निष्ठा क्यों? बोले नहीं, बोले अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाए। आप पूर्व जन्म में एक शूद्र थे, आपका जो रानी है ना ये एक शूद्राणी थी, लेकिन वो देखने में बड़ी सुंदर थी, आप उसको प्रेम में आप इतने पागल थे, जब वो बैठती थी आप बैठते थे, जब वो चलती थी आप चलते थे, जब वो खाती थी आप भी खाते थे। एक दिन क्या हुआ, तुम दोनों को पता नहीं था आज एकादशी व्रत है, लेकिन एकादशी व्रत का दिन जो पत्नी थी आपकी शूद्राणी उसको बड़ी तेज बुखार आए, बुखार आए तो बुखार किस तरह से कमे नहीं, वो बुखार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाए। अभी वो दुखी होकर के भोजन नहीं करी, दिन भर छटपटाती रही, उसकी दुखी में आप भी दुखी होकर के आप भी भोजन नहीं किए, दोनों का हो गया निर्जला एकादशी। देखो अनजान में भी एकादशी का क्या महत्व है, दोनों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। महाराज एक निर्जला एकादशी व्रत का इतना फल मिला, अभी इसी देश का आप राजा हो, वो जो शूद्राणी थी वही अभी आपकी रानी बन करके आए। आपकी जो एकादशी व्रत में निष्ठा यही कारण है, पूर्व जन्म में अनजान में आप दोनों ने एक एकादशी व्रत रखा था। बोले बाबा रे, एक एकादशी व्रत है। देखो संसार में कभी पति पत्नी लड़ाई हो जाए ना, दो दिन तीन दिन तक मान करके खाना नहीं खाती, इसलिए जिस दिन एकादशी आ जाए ना सवेरे सुबह लड़ाई चली हो, फिर तो तीन बार भजन ही नहीं करो, नहीं लड़ाई नहीं करना। इसलिए कभी कभी हम मान करके दो तीन दिन खाना छोड़ देते हैं,
इसलिए अगर अनजान में भी एकादशी व्रत कर लो उसका कितना महिमा। राजा को तो एकादशी का प्रति बड़ी निष्ठा आ गई। जब राजा थोड़ी दूर बाद गए फिर मोहिनी को देखा, इतने सुंदरी थी, बोले भैया तुम्हारी नाम क्या? बोले मोहिनी। बोले सचमुच से तुम मनमोहिनी हो, लेकिन तेरे को देखने से पता चलता किसी पति को ढूंढ रही हो। बोले हाँ, मैं जितने सुंदरी उतना किसी सुंदर पुरुष को मैं ढूंढ रही हूँ। बोले देखो रानी, मैं देश का राजा हूँ, मेरे से शादी करोगी? बोले मेरी दो शर्त है। बोले क्या है? बोले पहला शर्त है, मैं जो बोलूँगी आपका वही करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। बोले तुम रानी बनोगी, जो बोलोगे मैं वही सुनूंगी, क्या कोई बात नहीं। अभी राजा उसको शादी करके लाए, लेकिन राजा पहले भी शादी किए थे, उनको एक बेटा था जिनका नाम था धर्मांगद। राजा जब शादी करके रानी को लाए, ये रानी ने किया कि राजा तो स्वयं ग्रंथ भागवत गीता पढ़ते नहीं, पंडित लोग पढ़ते थे, इन्होंने गुप्त रूप में पंडितों को बुलाए। बोले देखो, अगर राजा बोलेगा किसको किसको एकादशी व्रत रखना, तुम लोग शास्त्र की बात नहीं बताना, शास्त्र बात को ढक लेना और मनमानी कुछ बात को बता देना। अगर जगत में एकादशी व्रत अगर खत्म हो गया ना, रत्न से मैं तुम्हारी झोली भर दूंगी। अभी ब्राह्मण लोग थोड़ा लोभी होते हैं, वो तो लोभ में आ गए। इतने में जैसे कल एकादशी आज दशमी, उनको देश में नियम होता था हाथी को ऊपर बैठ करके ढिंडुरा पिटाया करते थे। बोले सावधान, कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश, जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको राज्य से निकला दिया जाएगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी। रानी ने बोले महाराज ये ढिंडुरा क्यों पिटवा रहे हैं? बोले रानी मेरे देश का ये नियम है। बोले ये एकादशी फेकादशी कहाँ से ले आए? अपसंस्कार, ये कहीं पुराने शास्त्र में लिखा हुआ? अरे सबको एकादशी व्रत करने का क्या जरूरत है? बच्चों का, जवान को, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गई, विधवा हो गई, करे नहीं करे, ये सबको एकादशी व्रत करने का क्या जरूरत है? गोरा गोरा, ये कहीं शास्त्र ग्रंथ में है ना? ये सब मनमानी सब कर रहे हो। बोले शास्त्र में, बोले दिखाओ कौन सा शास्त्र। राजा पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाए, लेकिन राजा को पता ही नहीं था ये पहले से ही पट्टी पढ़ा करके रखी है, हैं? इन्होंने पहले से ही बुद्धि खराब करके रखी। राजा ने पंडितों को बुलाया, बोले भाई भैया शास्त्र भागवत ग्रंथ को खोलो, कहाँ पर एकादशी के बारे में क्या बताई गई? लेकिन उन लोगों ने शास्त्र बात को ढक दिया और अपना मनमानी ढंग से बात बताने लगे। बोले महाराज कोई जरूरत नहीं बच्चों को, जवान को करने के लिए, जो बूढ़ा बूढ़ी विधवा हो गई, इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। राजा ने कहा भैया तुम लोग तो पहले बताते थे भागवत में, ये अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत रखते थे और एकादशी व्रत की इतनी शक्ति है, जहाँ पर दुर्वासा व्रत को नष्ट करना चाहते थे स्वयं वहाँ पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और दुर्वासा जी को पीछा किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा भी नहीं रख्या की, शंकर जी को पास में गए, शंकर भी नहीं रख्या की, विष्णु को पास में गए, विष्णु भी उनको शरण नहीं दिया। फिर अम्बरीश के चरण में आकर के माफी मांगना पड़ा। जिसको नंद जसोदा व्रत रखते थे, जिसको पांडव लोग निर्जला एकादशी जो सबसे बड़ी, जिसको कुंती द्रौपदी पंच पांडव रखते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा रखती थी, कृष्ण उनको पति रूप में मिले। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बात करते थे पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत में, उपनिषद में, ये बताया तुम एक दिन में बदल गए कैसे? बोले हाँ महाराज ऐसे। राजा बोले भैया मेरे देश में तो एकादशी व्रत रहेगा। रानी बोली आपको याद है शादी से पहले मैंने शर्त क्या रखी थी, अगर मेरे बात नहीं सुनोगे तो मैं आपको छोड़ करके जा सकती। बोले जाना तो तू चले जा, लेकिन मेरे देश में तो एकादशी व्रत रहेगा। लेकिन राजा का बेटा था वो सख्यात धर्म स्वरूप है, उसने छोटी मैया की चरण में गिर पड़ी। बोले माता जी ये एकादशी के विनिमय में आप जो कुछ मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकादशी व्रत हम छोड़ नहीं सकते। बोले दे सकते हो? बोले हाँ। बोले बताओ? बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तुम्हारी सर को काट करके मेरे को दे सकते हैं तब मैं रह सकती हूँ। राजा बोले एक ही बेटा जो भविष्य में राजा बनने वाले, पिता माता हंसते हंसते बेटा का कोई गला काट सकते हैं?
बोले तू रानी ना कोई पिशाची, ये एक ही बेटा है राज सिंहासन में बैठने वाला, हम पितामह हंसते हंसते बेटा का गला काट देंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं। इतने में बच्चा ने बोले पिताजी ये शरीर आपसे ही मिला, मेरा कर्तव्य पिता माता की पहले सेवा करनी चाहिए, अगर ये शरीर की सेवा से पिता माता की सेवा हो हैं और एकादशी व्रत रहे, ये एकादशी व्रत सख्यात बांके बिहारी जी की, अगर ये व्रत रहे पिताजी एक दिन तो मरना ही है, अगर धर्म के लिए अगर ये शरीर को त्याग दे सकते हैं इससे बढ़िया क्या हो सकता है, कोई चिंता मत करो मेरे शरीर को कलम कर दो। जब शरीर को काटने के लिए गए सख्यात वैकुंठ से भगवान उतर करके आ गए, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जयकार में आनंद दिया है, बोले श्री एकादशी तिथि की सख्यात भगवान वैकुंठ से उतर करके आ गए, बोले बंद करो बंद करो। इतने में वहीं पर मोहिनी बेहोश हो गई, भगवान बोले रुक्मागर ये एकादशी व्रत मेरा व्रत है, लेकिन ये मेरी व्रत के लिए तुम अपना बेटे को भी तुमने अपने बेटे को भी त्याग दिया, बेटे को भी तुमने तिलांजलि दे दिया, वैकुंठ से रथ आया रथ में बैठो वैकुंठ चलो। बोले धर्मागर मैं परीक्षा कर रहा था, तुमने एकादशी व्रत के लिए अपना आत्मसमर्पण कर लिया, अभी राजत्व करो पृथ्वी के ऊपर में, तुम भी बाद में वैकुंठ में आ जाना। इतने में मोहिनी बोली मेरे को कहीं स्थान दे दो, ध्यान दे कृष्ण मेरे को कोई स्थान दो, मैंने जो गंदा काम की एकादशी को नष्ट करने के लिए, देखो कभी कभी एक एकादशी आती है कभी कभी दो 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 एकादशी आती है, एक होती है दशम विधा मतलब दशमी को साथ में जुड़ी हुई, एक एकादशी आती है जो द्वादशी को साथ में जुड़ी हुई, जब कहीं दो एकादशी आए पहला दिन का एकादशी नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन का जो एकादशी जो द्वादशी लगा हुआ जो एकादशी इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। अगर दशमी युक्त एकादशी करोगे फिर तुम्हारी जो एकादशी का जो व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा, ये मोहिनी को मिल जाएगा। अभी पाप ने कहा मेरे को भी कहीं स्थान दो, बोले एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा वो अन्न में आपका निवास है, इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। इसलिए कल मैंने आपको बहुत कुछ बात बताया था, साइंस दे करके समझाया था एकादशी में क्या साइंस है, और एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या पाप रहेगा, अन्न भोजन करेगा तो क्या होगा सारे पाप लगेगा, पर पाप से क्या होगा बोले बीमारी होगा, बोले बीमारी होगा तो मेडिसिन लो, बीमारी होगा तो मेडिसिन, इसलिए मेड ईट सीन क्रोसीन टेरामाइसिन वो सीन 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 मतलब होता है पाप, बोले ये सब बीमारी क्यों होता है बोले पाप से होता है, पाप होता तो फिर टेरामाइसिन क्रोसिन मेडिसिन, इसलिए ये पाप से ही ये सब बीमारी होता है, ठीक है ना। एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करना, एकादशी का दिन जैसे आप लोग नवरात्रि में 9 दिन तक फलाहार करते हो, एकादशी के दिन तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया बढ़िया पकौड़ा बनाओ कुट्टू का पकौड़ा बनाओ, फ्रूट फ्रूट की बना दो हैं, उस दिन तरह तरह का पकौड़ा भी बना सकते हो, आलू की सब्जी बनाओ मूंगफली बनाओ और बढ़िया बढ़िया चीज़ें एकादशी का दिन बनती है, लेकिन एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। और देखो दूसरे दिन अपना टाइम से व्रत खोलनी चाहिए, जैसे 9 बजे 10 बजे को अंदर में एकादशी का दिन जो चीज़ नहीं चलती है ठाकुर को अन्न भोजन दे करके रोटी नहीं तो सब्जी भोग लगा करके एकादशी का व्रत खोलनी चाहिए टाइम से, नहीं तो एकादशी का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कृष्ण को जन्मदिन दिला देंगे। देखो जिस समय वसुदेव महाराज ने को साथ में देवकी की शादी हुई, कंस बड़े आनंद पूर्वक उनको विदाई दे रहा था, एक बीच में आकाशवाणी हुई, रे बूढ़ा कंस जिस वसुदेव को देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। मुझे बोलूंगा लेकिन उनको रेडी करके रखना, इनको ले जाओ उनको ले जाओ, अभी तुम्हारी काल बनेगा। कंस ने देखा ये तो देवता लोगों का वाणी है, इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इतने में कंस ने तलवार को निकाला,
देवक की चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा किसी तरह से उसका प्राण हमें बचानी चाहिए, क्योंकि देवता का वाणी कभी झूठी नहीं होगी। साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से समझा नहीं। वसुदेव ने कहा, ये बताओ तुम मरोगे कि नहीं एक दिन? बोले मरूंगा। बोले जब तुम मरोगे अपना बेहन के मार कर क्यों मरोगे? जब तक दुनिया रहेगा तेरी निंदा करते रहेंगे, अपना बहन की हत्या रहा है। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले मैंने भी सुनी है। बोले मरूंगा तो बाद में, अभी क्यों मरूंगा? वसुदेव ने कहा, देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ ये पता है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने संतान तेरे को सब के सब हवाला कर दूंगा, लेकिन तू देवकी को मत छोड़। राजी होकर छोड़ दिया। उसका जो पहला बेटा हुआ उन्होंने कंस को ला करके दे दिया। कंस का हृदय तो एकदम पिघल गया, एकदम पिघल गया। अपना बेटे को काल बात में इनकी सत्यवादिता में प्रसन्न हो गया। बोले तू ये बेटे को ले ला, ले जा, क्योंकि तू अपना वाणी को सत्य किया है। ये बच्चा मेरे क्या करेगा? अष्टम गर्भ का बच्चा में मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा भैया तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भरेगी। लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भाव आ रहा है, ठाकुर जी आने में देर करेंगे। इतने में श्री नारद जी बास बिना बजाते बजाते नारद जी आ गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 आधार मन हरि गोविंद जय जय आधार मन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधार मन हरि गोविंद जय जय आधार मन हरि गोविंद जय माता रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय नारद जी आ गए। नारद जी आकर के इतने में बोले कंस, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, देखा देवताओं ने बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। जानते हो क्या मीटिंग का रहस्य था? ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं, ये देवता लोग सब जदुवंशी है। ये जो गोपियां है ना, ये और कोई नहीं, देवता देवियां, ये सब तेरे को मारने के लिए मिल करके षड्यंत्र बना रहे हैं। इसलिए तब एक कमल फूल लेकर के आए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसमें कौन सा पहला, कौन सा आठवां? बोले गुरु जी कैसे बताए? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हो? बोले इतनी सी बात समझ नहीं आ रहा है। अरे देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से 1 2 3 कर रहे हो, अगर वो उल्टा से 1 2 3 करे तो जिसको 1 कर रहे हो ना हो जाएगा 8, जिसको 8 कर रहे हो जाएगा 1। जब ये 8 बच्चे धीरे धीरे बड़े होएंगे, सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर सबको मैं मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता, तेरे बाप जानता है, बस भगा दिया। और नारद जी बिना उठाए और भाग गए वहां से। इतने में कंस ने एक एक कर 6 बच्चों को मार डाले। देखो प्रश्न होता है, भैया नारद जी बच्चों को क्यों मरवाए? ये संतों का थोड़ी काम है, बच्चों को मरवा डालो। ये बच्चों को क्यों मरवाए? बोले बच्चों को मरवाया नहीं, उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति करा दिया। इनके पूर्व जन्म की कथा इनको बताया। ये पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा की संतान मर चुके, कभी ब्रह्मा जी अपना एक बेटी को सृष्टि की, स्वयं उसको पर आसक्ति हो गई। इन लोगों ने हंसे थे, खिली उड़ाए थे, तब ब्रह्मा जी अभिशाप दिया था अपना पिताजी को हाथ में मर करके 3 जन्म के बाद में मुक्ति मिलेगी। उनने मरवाया नहीं, उनको मुक्ति करवाया। और 6 मतलब क्या? भगवान अष्टम गर्भ में आए हैं, अष्टम गर्भ में भगवान।
कभी अष्टम गर्भ में क्यों आए? हाँ देखो ध्यान देकर सुना, अरुण ने छह बच्चे किया, कौन है छह बच्चे? अगर भगवान को हृदय में कोई प्रकट करना चाहते हैं, पहले छह बच्चों को मारो। बोले छह बच्चे कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पहले ये छह चीज को खत्म करो। बोले सप्तम गर्भ में बोले स्वयं बलदेव प्रभु, ये कौन है? ये धाम स्वरूप, ये सेवक रूप में भगवान को जो धारण करने वाले। और अष्टम गर्भ में बोले भगवान कृष्ण चंद्र आते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनका क्या हो गया? तभी तो मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ ये बच्चों को क्या हो गया? देख संजीत का क्या कर रहा है? हरे कृष्ण। इसलिए ये अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए। हरि बोल, हरि बोल। हमारे राजवीर राजकुमार कहाँ गए? सबको तैयार किया कि नहीं? जब धन दे जैसे तो तैयार ही नहीं, तैयार ही है। हाँ 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 सबको तैयार। आप भी वसुदेव बनना। आप तैयार ही कि नहीं? अरे आप तैयार ही कि नहीं? जब टोपी बन कर कहा जा पगड़ी बन कर वसुदेव बन कर। अरे हरि बोल, हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अभी भगवान कैसे आते हैं? बोले भगवान का जो जन्म कर्म दिव्य अवलोकित है। हमारे जैसे जन्म नहीं, हमारा शरीर पांच चीज को द्वारा बनी हुई है। इसलिए शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगी, शरीर एक दिन नष्ट होने वाले। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है? सचिदानंद रूपाय, सात चीत आनंद से भगवान बने। हमारी जो शरीर पिता माता के मिलन से हमारे शरीर हुई, लेकिन भगवान की अपराकृत दिव्य उनकी जन्म है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जो जन्म कर्म ये अलौकिक अपराकृत दिव्य मेरी ये जन्म कर्म है। इसलिए भगवान कैसे आए? पहले वसुदेव का हृदय में आए, फिर वसुदेव का हृदय से फिर देवकी के हृदय में ठाकुर जी प्रकाशित हुए। जब कंस ने देखा पूरा कारागार उजला उजला हो रहा था, समझ गए मेरे काल आ गया, मेरे काल आ गया है, मेरे को मारने वाला अभी भगवान आने वाले। देखना अगर कोई साधारण मंत्री आए ना, कोई प्राइम मिनिस्टर आए, उनके लिए कितनी सजावट होती है। अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक ही जन्म लेने वाले। इसलिए संपूर्ण प्रकृति सुंदर रूप में सज गई। ये वृंदावन एकदम दुल्हन की जैसे वृंदावन सज गई। बोले क्यों? बोले भगवान कंदरा कंदरा में कुंज कुंजों में ठाकुर जी लीला करेंगे। यमुना नदी बड़ी खुश हो रही थी। बोले क्यों? बोले मेरे को भगवान अपना पटरानी बनाएंगे। इसलिए वो जमुनत्री से कलकल नाद करते हुए भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए आ रही थी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जितने नदियां थी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों? बोले ये यमुना है, ये सबसे बड़ी बहनी है यमुना है, और दूसरे जितने नदी है ना उनकी एक छोटी बहनी है, सब छोटी बहनी। इसलिए छोटी बहन भी खुश हो रही थी। बोले क्यों खुश हो रही थी? बोले यमुना को साथ में कृष्ण जब शादी करेंगे पटरानी बनेंगे, हम भी तो छोटी बहन, तो कृष्ण का हम क्या हो जाएंगे? साली, कृष्ण का साली। आप देखना जो दामाद है ना, कभी कभी पत्नी से ज्यादा सालियों को प्रेम करता है। इसलिए कृष्ण हमें भी साली होने का नाते कृष्ण भी हमें प्रेम करेंगे। कहती ये कमल फूल खिलता है दिन में ये सूर्य का किरण से, लेकिन कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों? रात में क्यों खिल गया? बोले जो संत लोग जब भगवान को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज महालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। बोले कि भगवान के स्वरूप कैसे ही? मुख कमल, नेत्र कमल, नाभि कमल, चरण कमल, सब कमल कमल को साथ में धारण देंगे।
इसलिए कमल फूल खिल गया। और कृष्ण जब जन्म हुए बुधवार रोहिणी नक्षत्र में, बुधवार का दिन आए भगवान हैं, बुधवार और अष्टमी रात्रि, अष्टमी रात्रि में ये चंद्रमा होता है आधा, लेकिन अष्टमी रात्रि में ये चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों, आज भगवान मेरे कुल में, मेरे जाति में कृष्ण जन्म ले रहे हैं चंद्रवंशी में, इसलिए अभी सारा दुनिया जय जय जयकार कर रहा था, सारा दुनिया आनंद में नृत्य कर रहे थे। कंस ने मना कर दिया था, मेरे देश में यज्ञ नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आज अपने आप संतों का हृदय प्रेम में भर गया, आनंद में उत्फुल्ल हो गए। बोले हमारी कौन क्या बिगाड़ सकता है, आज तो हम कीर्तन करेंगे ही। सारा दुनिया भगवान की जय जयकार कर रहे थे, सारे 33 करोड़ देवता स्वर्ग में आकर के भगवान की वंदना, भगवान की स्वागत कर रहे हैं। देखो हम भी थोड़ा भगवान की स्वागत करते हैं, भैया ले आओ, तुझको ले आओ, नंद जसोदा को ले आओ, स्वागत कृष्ण ले आओ, स्वागत कृष्ण आ जाए तो ताली बजाकर स्वागत करते हैं कि नहीं,
चलते हैं। ये तो भगवान आ रहे हैं परम पिता, ताली बजा कर सभी लोग स्वागत करेंगे आप आए थे।
Thank you.
Thank you.
सुना है और मोटे पतले हो जाएंगे, पतले मोटे हो जाएंगे, जोर से चलन लगाएंगे सर तभी भूल बनेंगे और बढ़िया तरीके से प्रसाद खाएंगे। ठीक है, जोर से दो चार व्यक्ति मिलकर के सारे केले वहां लेंगे। आज कोई टफी खाना नहीं, आज एकादशी है, कोई टफी नहीं खाएगा। ठीक है, कल टफी खाना, हो सकता है उसमें कुछ मिलावट होगी, नहीं कल फिर टफी मिलेगी, कल मिलेगा सर। ये सारे केले पीछे मिलेगा यहाँ। हाँ, सभी लोग लाइन सजाए, सब लोग लाइन करके प्रसाद लो, बगैर लाइन के कोई प्रसाद नहीं ले, सब लाइन करके प्रसाद लो। लो, जितने भी भक्त लोग हैं प्रसाद पा रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि आप जब प्रसाद पा के उस प्लेट को छोड़ देते हैं तो हमारे जो भक्त हैं उनको जो दूसरी सेवा है वहाँ छोड़ कर प्लेट उठाने पड़ते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है प्रसाद पा के जो डस्टबिन रखे हुए हैं अपने प्लेट्स को उसके अंदर डाल दें। बेटा चलो चलो वहीं चल के जाएंगे, उधर चलो उधर, इसके अंदर डालिए क्या, लाओ जी लाओ। बेटा इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, डालो इसमें, डालो डालो। और भी दे दो, दे दो जाए। मम्मी को मिला अपनी, चलो तुम कर लो।
तू भी चली जा चली जा आप कैश चलेंगी कैश चलेंगी अच्छा आएंगे भैया
Thank you.
कोई बाहर दुकान से ले लो सामान अच्छे दुकान में मिल जाएगा अच्छे तो वहीं से लाएंगे सोमवार तक कथा है ये लो माता जी बच्चे को चाहिए रे ठीक है कोई भी सुनने को तैयार नहीं है तो ये ऑफ कर दी नहीं करी अबे यार ऑफ नहीं हुई है लाइव चल रही है अभी तक बंद करो